हेलो एवरीवन आप सबका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर की एक और रिकॉर्डेड पॉडकास्ट पे हेलो स्वागत है आप सबका तो बादल पहले आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है बस सर जिंदा हूँ आज आज हम लेट क्यों है पहले ये बता दो तो, बादल की वजह से थर्सडे को मैंने देखो भाई मैं अच्छा मैं क्लैरिफाई करता हूँ देख लो हाँ.

भाई मैं मैंने मैं थोड़ा पांच मिनट एक्स्ट्रा मैंने पियानो सीखा तो हाँ तुम तुम तुम, तुम अपनी उंगलियों का सही <laughs> जगह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे अवेलेबल था कल ठीक है जब अपने बादल जिम्मेदार है इस गलती का तुमको क्यों एक दिन पहले बीमार क्यों नहीं हो पाया तुम मैं से भी वही सोच रहा हूँ दो दिन पहले या दो दिन बाद में हो जाता कुछ नहीं जाता एग्जैक्ट उसी टाइम पे और ऐसा हुआ ना कि थर्सडे को मैं जैसे वीडियो अपलोड किया घर गया खाना खाने के लिए और ऐसा खाना सामने आता ही मेरे को अंदर से लगा रहा था कि मत खा मत खा बीमार पड़ जाएगा उल्टी फिर मैं बोला खाना नहीं खाऊंगा तो कैसे चलेगा खाना खाया एक घंटा कुछ फोन वगैरह चला रहता और फिर एकदम से चालू हुआ रात को उल्टी हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ तब सिर्फ लिक्विड निकल रहा है दो बार हुई रात में मैंने बोला अब और नहीं निकल रहा तो अब सो जाता हूँ सुबह देखेंगे सुबह उठ के देखा तो सुबह और हुई क्या खाया था खाया तो हुआ था पूरा निकल गया बाहर क्या खाया था नॉर्मल वही खाया था सब्जी रोटी राई की सब्जी बाहर क्या खाया था तुमने कुछ नहीं भाई मैं मोहित से बात कर रहा था ना मोहित को बोला तुमको बोला दो दिन से मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया था क्या सब्जी खाई थी इसलिए बीमार पड़ गया सब्जी नॉर्मल थी यार कुछ तो याद नहीं मुझे शायद होगी एक्सेसिव डाइटिंग करने की वजह से हुआ ये पता नहीं लेकिन क्या ट्विटर पे डाला था इसने दिन भर क्रिकेट खेल रहा था मैं ये आ, वो बॉडी तो, तो संडे को किया था भाई नहीं ये एक्सेसिव डाइटिंग की वजह से हुआ है आई थिंक पता नहीं मैं भी एक्सेसिव वर्क क्या तो करेंगे कर तो सुबह हुई मेरे को मैंने बोला ठीक है अब अब जो है वो निकल गया पूरा जाता हूं पिक्चर तो जो भी है नींबू पानी वगैरह दिया था चार चम्मच खाए थे बस खिचड़ी गया देखने के लिए मेरे से इंटरवल <laughs> सब... बोल हाँ। <laughs> <बोले... laughs> नहीं बोले विजय <laughs> अगर बेचारे वो लोग वहां प्रेजेंट होते तो ओ भाई बस सोचो मोहित अगर किसी स्क्रीनिंग पे होता अपने साथ ओ पिक्चर में से उठ के तो भाग रहा <laughs> मैं नहीं बोले <laughs> शिट यार इतनी बुरी पिक्चर बना दी मैंने श्रीराम राघवन सो हे भगवान तौबा बट मतलब जैसे वोमिटिंग होती है तो वैसे तुमको थकान और कमजोरी ऐसे लगने लगता है ऊपर से तुम एक घंटा ट्रैवल करके जाओ दूसरे शहर में और उसमें भी थिएटर में फुल ऐसी पूरा पिच ब्लैक ऐसे तो शायद और ज्यादा बढ़ गया मैं आया घर पे मैं मैं आया डॉक्टर को दिखाया पहले उसने इंजेक्शन लगाया दो दवाई दिया खाया मैं सो गया शाम को उठाऊ तो शाम को मैं खोल के देख रहा हूँ मतलब ऐसा होता है जो फोटो डाली थी नाटवर्ड वाली बराबर की जाली में से देख रहा होता है और बाहर लोग खेल रहे होते वही एग्जैक्ट फीलिंग थी और वो करने के बाद मैं रात को फिर मैंने शायद हल्का सा कुछ तो खाया और सो गया मतलब पूरा दिन मैंने सो के निकाला है फिर दिन भर रात भर और आज सुबह थोड़ा ठीक लगा तो मैं गया मैंने बाकी की दो पिक्चरें देखी hmm. हनुमान और कैप्टन मिलर ओके okay. मजा आई मजा आई मजा आ गई भाई मजा आ गई तो इसीलिए भाई लोग बोलते हैं तबीयत खराब हो तो बिल्कुल पिक्चर मत देखने जाओ पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है मैंने भी एक बार ट्राई किया था

घर पे बताओ डॉक्टर को बताओ मतलब मेरे को पता है दूसरे क्रिएटर फोन करके पूछ ले रहे हाँ। कि भाई ये मेरे को ये ये प्रॉब्लम हो रही है ब, बता दो तो मैं उनको पूरा प्रिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूँ फ्री की कंसल्ट अरे कसम से कसम से मोहित क्या वो क्या कहते हैं जांच कर लेते हैं अच्छा फोन इधर लगाना मोहित इधर से हार्ड मोहित के जो फेस वॉश इसने रेकमेंड किया था और क्रीम अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ वरना मैं बहुत परेशान था क्या क्या नहीं मैं मैंने यूज किए हुए थे एक एक स्टैंडर्ड इसने बता दिया वही चुपचाप बस काम खत्म उसी से गोरे हो गए उसी से उसी से भाई क्या वो है? वो वो मेरा नहीं मेरा बताया हुआ नहीं था बाय द वे वो, वो जिसका श्रेया था वो श्रेया, 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 श्रेया का था ना वो श्रेया जी का बताया हुआ था जिसका, था। जिसका तो, भी था मतलब एक ही चाहिए था और एक मिल गया काम खत्म बस खैर अपन अपन सिनेमा जगत से पिक्चरों के ऊपर बात कर ले बहुत कुछ आ गया पहले तो पहले तो मैं उस शख्स को जानना चाहूंगा सेक्स को हां कौन से सेक्स सिक्स को जानना चाहूंगा आते ही कि, कि किसने वुमन कहा था कहा नहीं, नहीं 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 देखो मैं जानना चाहूंगा कि किसने रेकमेंड किया कि सब कुछ ट्रेलर टीजर्स पिक्चर एक ही तारीख को रिलीज करना कौन से सितारे अलाइन थे आसमान में कि आज? रिलीज डेट्स भी रिलीज डेट कौ, कौन से सितारे आसमान में अलाइन थे कि हां ये आज का दिन सदी का सबसे बढ़िया दिन होने वाला मकर संक्रांति मेरे ख्याल से उस, अभी देखो इसमें तो कैप्टन मिलर और मेरी क्रिसमस लास्ट महीने आने वाली थी वो कंपटीशन के कारण ढकला तो भाई यार, ये तो और गंदा कंपटीशन भाई <laughs> और नेक्स्ट वीक कुछ नहीं हाँ और कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं पूरा और मतलब कुछ और मतलब ऐसा कुछ नहीं कि लिटरली कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बिल्कुल खाली भाई चार पांच पिक्चर रिलीज हुई दो पिक्चर आगे ढकेल दिया कुछ खराब नहीं होता

मुझको लगा कि मैं सोचा कि थोड़ा क्योंकि मेरे ओपन पार्किंग है ऐसे पार्क किया टिकट भी अंदर हाँ। तो मैं सोचा कि मैं बाइक बदल के जाता हूँ <laughs> जा। क्योंकि पार्किंग वाला भी आपको टिकट देता है कि ना। 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 ये फिर आ गया यार भैया जी फिर आ गए बहुत वेल हो

और भाई और तो और और उस उससे चौथी भी लग गई होती अरे नहीं भाई नहीं तुम सो तो, तो भाई भाई जो अंदर का स्टाफ होता है ना वो भी पूछने लगता है सर एग्जिट वहां नहीं मेरे पास एक और टिकट है पहले साले घर में तुम्हारे घर में बिस्तर बिस्तर एसी वैसी कुछ भी नहीं है कि अभी तो ठंड का टाइम भी चल रहा है लेकिन खैर आई

मेरी uh, क्रिसमस के सबसे जल्दी शोज थे hmm. uh, मतलब मेरी क्रिसमस का नौ बजे का शो था पहला हनुमान का hmm. दस बजे का था कैप्टन मिलर का साढ़े दस ग्यारह बजे का शो था hmm. नहीं हनुमान का भी साढ़े दस का शो था मेरी मेरी प्रायोरिटी पहले कैप्टन मिलर थे क्योंकि मुझे सबसे बेटर वही मूवी लग रही थी hmm. लेकिन हनुमान का यार पहले शो और कैप्टन मिलर का आखिरी में एक शो रात में Hmm. मैं क्या, और मेरी फटी हुई थी कि साला अब अगर ये छूट गया तो पता नहीं दूसरे दिन लगाएगा कि भी नहीं hmm. तो पहले तो hmm. पहले तो पहले पहले दिनों को बजे जो शो शुरू हुआ वो देखा लेकिन हाँ काफी, काफी मैं हनुमान देखकर hmm. काफी सरप्राइज हुआ था मेरे क्रिसमस के लिए मेरे शहर में शो लगाया नहीं एक भी नहीं है

बता यार कैटरीना कैफ है तुम ऐसे कैसे कर रहे हो नहीं तो वो उधर वो वो साउथ वाला एंगल हो गया ना कि साउथ की पिक्चर वाला आ, अरे तुम तो बताया है ना कि वो विकी कौशल के लिए अलग कट है और बाकी इंडिया के लिए अलग कट है तो वो उस कट आ, में क्या दिखा देंगे कि मतलब <laughs> वो एक ही तो सीन था बाकी इंडिया के <laughs> एक लिए तो सीन। और वो भी वो भी ट्रेलर में बेट डाला हुआ था उन्होंने हाँ वो उसी को देख के लोग मास्टर बेट कर लेकिन हनुमान मूवी की बात करें तो यार मूवी चाहे कितनी भी चीज़ी थी कैंपी थी लेकिन यार मजा आया देखकर कर आई थिंक बताए ये बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला तो ये वाला हिसाब हुआ इसके साथ कि वो नहीं एक वो एक्समैन वाली मूवी नहीं थी जिसमें क्विक सिल्वर दौड़ के सबको बचाता है पूरे

चेहरे पे थोपने की जरूरत नहीं थी कि हाँ ये अच्छे से एसोसिएट एसोसिएट होता होता है है बुरे से है। तो में, हाँ, में ओ, अच्छा, अब दिख रहा है। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी मतलब लेकिन ना मेरे को जो उसका वो है मतलब जिस तरह से उन्होंने वो जो पूरी कल्चरल वाली और रिलीजन वाली चीज को इंटीग्रेट किया ना मतलब वो

तो उसमें भाई पता चलता है VFX उतना अच्छा नहीं है आपको वायर वर्क कैंपीनेस पता चलती है लेकिन हुँ. मुझे फीलिंग छोड़ के जाता है ना आपके दिल में कि अच्छा लगा यार देखकर हुँ. वो हुँ. वो देख के उठा कि हाँ भाई मुझको पता था क्या क्या कमियां चल रही हैं लेकिन इंजॉय किया मैंने हुँ. ये हुँ. जैसे जो आइडियाज होते हैं ना उन्होंने आइडियाज लिखे और फिर एक एक के बाद उस करते गए वो जैसे तुम सुपर हीरो को देखोगे तो पहले उसको पावर मिलती है फिर उसको सीखता है यूज करना डिस्कवर करता है फिर बाद में उसको अपना लेता है और फिर शो ऑफ करता है फिर बाद में उसको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं चाहिए मुझे पावर और फिर लास्ट में जाके वापस से हाँ उसको यूज करके उसने ये एक ट्रुप हो गया और उसके बाद फिर जैसे उसके अंदर भी ऐसे सीक्वेंस सीक्वेंस में तुम मूवी को डिवाइड कर सकते हो जैसे इंटरवल के बाद आ, वो हीरोइन को जब पता चलता है कि हाँ यही है ये ने तो भाई वो तो टिपिकल वो तो टिपिकल लड़के वही वो मैं बोल रहा हूँ जरूरत भी क्यों थी

एक्चुअली ना एक मेरे को एक वो एक उसका सूट का इनफिनिटी गांटलेट को काला पेंट करके उन्होंने हां वो तो कह रहा था मैं मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा पर उन्होंने लिटरली वो प्रॉप उठाया हो और उसका हाँ। डिजाइन चेंज करके उसको पहना दिया बिल्कुल बिल्कुल वो तो कह था ही जैसे ना तुम वो वो वाली चीज देखोगे ना जो उसका वो जो वो मोमेंट था फ्यूनरल वाले सीन की तुम बात कर रहे थे तो मैंने तभी सोचा था जब वो उसकी पूरी बहन वाला आर्क होता है ना कि जब वो उसको पता लगता है कि तुम्हारी बहन ने ऐसा ऐसा सेक्रीफाइस किया और ये वो तो मैं तभी सोच रहा था कि नाव मतलब ये मूवी अच्छी ट्रैजिक पे है जब वो इंटरवल के पहले का ब्लॉक आता है और जब वो पूरा वो दिखाते हैं ना हनुमान जी वाला वो इतने सारे लोगों को मार के और उनके ऊपर बैठता है और वो जो पूरे हनुमान जी वाला दिखाते हैं कि वो बैठ के और वो पूरी एक इमेज बनती है वो पूरे पूछ के साथ बैठते हैं और वो एकदम वो एक इमेज बनती है तो वो बहुत 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 बढ़िया सीन था वो तो वो

तो वो मूवी वो चीज भी कर देती है वो वो देती, वो देती है। लेकिन I think हाँ। बता, जब वो पूरा वाले मोमेंट पे गोली ना मुझको लगा बच गई ठीक है अभी क्या लिटरली यार अपन क्या एक शूटिंग हुई थी कंधे पे उसको लगा हुआ तो बच गया था बंदा ठीक है खुद पैदल चल के हॉस्पिटल गया वो तो मुझको लगा कि बच जाएगी लेकिन ये मर मैं चलो यार थोड़ा सा आप कर सकते थे उस थोड़ा उसको ना हाँ थोड़ा और वो करते ना अगर जैसे उस मोमेंट पे यू यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू मेक द दिलन मोर मेनेसिंग एंड द हीरो मोर हेल्पलेस

तो अगर वो विलन के पास जाती भी तो पर्मानेंट पावर तो मिलती नहीं उसको नहीं 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 राइट right? तो मतलब वो चाहता तो वो जब यूज करता तो उसके पास एक टाइम की पावर आती और वो उसका इस्तेमाल करके मतलब इसको मारता पीटता जो भी करता दोनों के पास पावर रहती ऑफ कोर्स हाँ तो दोनों की अच्छी खासी लड़ाई होती और उसमें उसकी बहन सेक्रीफाइस कर देती अपने आप को

बहुत ही ज्यादा कैसा वो वो विलेन मिल रहा है वेनिला विलन से भी ज्यादा बुरा विलेन मिल रहा है दिस कुड तो मैं, मैं, something... मैं मेकर्स को बता, हाथ जोड़ के बता कहना चाहता हूँ अगर आप कुछ कर रहे केप वाला, हो ना के मत पहनो केप किसी को ए, ऐसे तो मत पहनो क्योंकि ये कूल नहीं लग रहा था भाई यार ये, ये तो अच्छा नहीं था विलन का नहीं यार मतलब आपको कूल लगता है ना डॉक्टर ठीक है

बहुत फ्लक्चुएट करता है कहीं नाइन पे रहेगा कहीं दो पे चला जाएगा तो पता, तो पता है उसका रीजन मैं बता बोलो ना तुम बोलो आ, नहीं तो ये साफ पता चलती है कि प्रायोरिटी सेट है भाई अच्छा हुआ कि आपने वो उस प्रायोरिटी को एंड के मोमेंट को प्रायोरिटी दी और वो पीक डिलीवर हुआ वहाँ पे आप आप जो हाई हाई के साथ थिएटर एग्जिट करते हो ना तो भाई यार लगता है पिक्चर अच्छी देखी है और वो फीलिंग बहुत जोरदार थी अच्छा वो वो नोटिस किया गया कि में सीजीआई लिखा रहा था हाँ। में, भाई मैंने पहले में में देखा में, आ, पहले मैं मतलब हाँ। मतलब हाँ। हाँ। बाद में, बाद में जानवर का होता है ना तब तो वो दिखाते जानवर का या फिर वो जो मेरे को ऐसा लगा कि जो जो मतलब पूरा सीजीआई जी शॉर्ट था ना क्योंकि जो मेरे मैंने नोटिस किया था कि जो स्टार्टिंग वाला शॉर्ट था ना

मेरे को लगता है वो फ्लेक्स मेरे को लगता है वो फ्लेक्स भी हो सकता है इट कुड हैव बीन अ फ्लेक्स क्योंकि तो बताने की जरूरत आई डोंट थिंक थी नहीं 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 थी 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 क्योंकि ना hmm. देखो अपन लोग पकड़ सकते हैं बट देयर इज अ ह्यूज जंक ऑफ ऑडियंस जिसको ये चीज नहीं समझ पाएगी जो मतलब hmm. बहुत बड़ा चंग के ऑडियंस का जो इस चीज़ पे वो म, मंकी वाले जो शॉर्ट्स थे उसमें से कुछ काफी अच्छे थे बहुत अच्छे शॉट थे और वो नीचे अगर सीजी लिखा नहीं होता तो तुम पहचान नहीं पाते कि वो सीजी था बर्ड वाले शॉट बर्ड वाले शॉट बहुत, बहुत अच्छे थे वाले शॉट भी अच्छे थे तो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा डिसीजन है और आई थिंक ये फ्लेक्स भी हो सकता है क्योंकि मूवी का अच्छा हां सीजीआई कंप्लीट कर नहीं बोल तो वो ना मैं भी बोल रहा हूँ कि वो फ्लेक्स भी हो सकता है क्योंकि अनलाइक सम मूवीज जो मतलब 6 6 600 करोड़ में बनी है सात सौ करोड़ सात सौ करोड़ में बनी है कई 200 करोड़ में बनी है और वो इत... कौन कौन बोल रहा है कि उमराव देखने गया कौन बोल रहा है यहाँ पे <laughs> ऐसे करके क्या कर <laughs> चुपचाप ऐसे करके कर भाई ओ भाई। वो, सूर्य वंशा, में जाता वापस का दादा अबे क्या हो रहा है मेरे बोले भैया हीरो बेटे बोले भैया वो पीछे की रेकलाइनर वाली दो टिकट दे दीजिएगा कोने वाली हाँ <laughs> जो <था> एक बजरंग बली <laughs> तो के लिए रिजर्व की गई थी ना बोले भैया क्या है वो भी टिकट वाला बोलेगा सर

दे एक्चुअली डिलीट द मूवी फॉर दिस फॉर दिस वेरी रीजनिटो उनको ये बताना चाहते होंगे वो लोग कि मतलब हमने कितना अच्छा काम किया है देखो दिस इज वॉट वी कैन अकम्पलिश और प्रशांत वर्मा हैज बिन वेरी वोकल अबाउट इट hmm. कि हम लोग इसके वी एफ एक्स पे बहुत मेहनत कर रहे हैं hmm. और वो पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते है ना तो मतलब और मतलब बहुत सारे लोग इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थे इंक्लूडिंग अस अरे भाई कॉन्फिडेंस मर गया था हाँ भाई यार जब जो अभी जो लेटेस्ट ट्रेलर आया था ना उसका ट्रेलर हुँ। टीजर हम्म हम्म उसने बिल्कुल इंस्पायर नहीं किया था भाई एक्जेक्टली exactly. बिल्कुल भाई तो क्योंकि भाई। मेरे को याद है उसको लेके मैंने शायद कुछ तो बोला हुआ था कि आप ठीक है आप इतना ग्रैंड इमेजिन कर रहे हो उसको right. ठीक है। लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं आप जब वो अचीव नहीं कर सकते right. तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि वो negative point हो जाएगा। right. but hmm. actually, movie देखने के बाद We it... yep, 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 yes. और उन्होंने जो ग्रैंड hmm. इमेजिन किया था उसके अंदर तो थोड़ा बहुत सीजीआई को लेके है बट इट मेड पूरा थी वो करके गए बाय बाई और इससे ओम को जरूर से सीखना चाहिए कि भाई यार सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता सब कुछ लक्ष्मण <laughs> पैसा और ये, कास्ट। ये मूवी देखना आगे चल के ना बहुत ग्रो करेगी क्योंकि आजकल एक मतलब ये नया मार्केटिंग ट्रेंड हो गया कि मूवी के अंदर की कुछ एक दो सीन है ना वो लोग देखते हैं रिकॉर्ड करके वो पहले ही वायरल कर देते हैं मेरा भाई आज पहली बार देखने गया था लेकिन वो बता रहा था मुझे कि ये शॉट पहले से ही आ गया था मेरे पास जैसे उसका वो हाँ डंडे वाला वो वाला हाँ, क्या डंडे हाँ। वाला उसके बाद फिर पीछे पूरा हाँ। जो पूरा सिल्वेट बनता है श्री राम वो तो तो मैं भाई भाई समझ गया था कितने कितने सारे साउथ के हीरोज कैसे होमजेस दिए हुए हैं वो मॉर्टल कॉम्बैट का फिनिश है आवाज़ भी वैसे भारी करके भाई यार मैं कहते इधर बोल दे बोल दिया होता गेट ओवर हियर अरे वो और और अबे बहुत सारी उसका वो मोमेंट तो सच में एक्चुअली बहुत अच्छा था जब वो पूरे डंडे वाली सीक्वेंस थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है तो हो क्या रहा है रात के टाइम पे हाउ हां तुमने पिक कर लिया था वो? नहीं, वो नहीं 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 जब वो बाद में दोनों दिखते हैं ओ ओ ओ नहीं वो

<laughs> मतलब तुम बहुत 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 तगड़ा कंस्ट्रक्शन था उसका बहुत तगड़ा और वो जो उन्होंने जो पूरा उसको उस पूरे सीन को क्रिएट किया ना वो बहुत बढ़िया तरीके से किया क्योंकि मतलब आप उसका थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा था तुम अगर देखोगे तो वो पहले उसको मार के पीछे फेंकते हैं राइट और फिर वो वो पीछे वहां से निकल के आता है और वो हाँ और मतलब वो चाहते तो उसको दिन में भी कर सकते थे बट दे डिड इट इन द नाइट कि मतलब तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो कि भाई ये कैसे हो रहा है और का उसमें वो मंकी किंग के पास भी रहता है ना भाई और बाद में तुमने बताया ना की वेस्टर्न प्रोडक्शन का नहीं है मेरी खेलूंगा कैसे अब इसको क्योंकि फिर बाद में वही वाला वो हो जाएगा कहानी ये एक तो गेम पारी नहीं होता इन लोगों का पैसे दे दू और खेल ना हाँ। मतलब वही 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 वही। वही हाँ तो अब पता है सुनो जैसे अब ब्लैकमिथ अब सिमिलैरिटीज देखना हाँ। में भी वही है टंडे वाला कॉन्सेप्ट हाँ। ठीक है और शेप शिफ्टिंग अरे चाइनीज मूवी ट्रिलोजी है भाई चाइनीज या जापानीज आई थिंक याद नहीं आ रहा है वो इसी के ऊपर ही, ही, ही है मंकी किंग तो मंकी, मंकी किंग, तो किंग तो उनकी वो है ना मं, मंकी किंग तो हाँ, उनके इसमें है ही हाँ मंकी किंग वाला हाँ। तो, है साहब पूरा तो मैं क्या यार उसके बता एक एंड में वो चीज़ मुझे पसंद आई थी कि जब गांव के ऐसे सारे लोग नहीं आते हैं लड़ने के लिए वो अपने अखाड़े से भी आते हैं और एक और भी हेल्प करने आता है तो वो चीज़ अच्छी लगी क्योंकि सुपर हीरो मूवीज़ ये चीज़ अडाप्ट नहीं करते क्योंकि बड़ा हीरो होता है अब हीरो को कोई और नहीं साथ में लड़ेगा और नहीं दिखाएंगे तो आई थिंक एज ए नया एक्टर होने के नाते ये बात बहुत बढ़िया रही कि उन्होंने टैलेंट को कास्ट किया वरना वो तो रवि तेजा की वॉइस तो यूज़ की कर ही चुके थे अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में तो वो किसी बड़े एक्टर को भी कास्ट कर सकते थे लेकिन ये बेटर रहा कल को बड़े बेटर फ्यूचर के लिए इसके नहीं तो मेरे को कास्टिंग किसी? तो बहुत सुपर लगी भाई आप, बहुत भाई आप बिना कास्टिंग। किसी ईगो के साथ लोगों को काम करा सकते ना 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 भाई, भाई। ये कास्टिंग बहुत वो तुम लास्ट का मोमेंट याद करो जब वो बजरंगबली आते हैं राइट तो वो जो आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती हैं याद है वो वो एक्सप्रेशन एंड एवरी टॉप नॉच परफेक्ट मतलब चेहरा नहीं दिखाया वो अंडरस्टैंडेबल हाँ, था क्यों हाँ, नहीं दिखाया हाँ, आपने लेकिन यार जो आप प्रेजेंट कर दिया पूरे बॉडी को भाई साहब हाँ, हाँ, हाँ। बजरंग बलिया एस्थेटिक्स ब्रो ठीक है बहुत, बहुत। जा रहा हूं जिम में हाँ। ठीक है <laughs> मुझको मुझको भी चाहिए छाती पे बाल <laughs> नहीं है मेरे चाहिए और अबे तुमने वो चीजें अबे बहुत सारी चीजें नोटिस होती हैं जैसे तुम वाला आ, लगा। हाँ। तुम तुम यहाँ पे। वो जैसे यार। एक तो भाई वो वाला सीन जो है जब चिता के पास बता रहा ना हाँ वो जब वो बैठा रहता है और विभीषण आता है और डिस्क्राइब करना शुरू करते है वो और वो पूरे श्रीलंका वाले सीन दिखाते लंका वाले हाँ

वो वो डायलॉग बोल रहा है कि तेल तेरे बाप का जलेगी तेरे बाप, आ, बाप की और वो कपड़ा और भाई पे ये एक्चुअली यार, यार, में बजरंग बलि के अब तक सबसे बेस्ट लाइव एक्शन डिपिक्शन में देखा हूँ की आप सी रखो भाई जैसे नाइप सी जी भाई रखो आप सीजी वही क्योंकि जस्टिस कर रहा था अपने बजरंग बली के किरदार के साथ जो टावरिंग फिजिक आपके सामने आती है ना तो वो लगता है कि हाँ भाई इंसान तो नहीं है इंसान दिखा भी नहीं सकते हैं कितना भी करके आप उन्होंने मतलब वो, वो वाली सी, सीक्वेंस क्राफ्ट करी ना उसमें जो बजरंग बली का डिस्क्रिप्शन था वो और ये दोनों डिस्क्रिप्शन भाई एप्सल्यूट मतलब जैसे होता है ना पैरल ऑपोजिट थे जो ने आदि पुरुष में बजरंग बली देखे

यार मजा आई देख के यार हनुमान का वो शॉट और फिर जो हिंट दिया उन्होंने hmm. स्पॉइलर अलर्ट जय हनुमान का ठीक <laughs> है तो देखो अब ये मूवी सक्सेस तो मिलने वाली है इसको हो गया भाई, भाई सक्सेस बहुत सकसेस। बहुत चलेगी भाई ये पिक्चर बहुत है इसका जो, जो रिपोर्टेड बजट था 72 वगैरह जो भी है सेकंड पार्ट के लिए उससे ज्यादा मिलेगा उनको करने के लिए तो अब अब मतलब जो कमियां विदाउट वीएफएक्स वाली थी ठीक है जैसे स्टोरी टेलिंग की बात हो गई कि आपका विलन हो गया या आपने जो भी जंप कर कर के उसका क्लाइमेक्स वगैरह पूरा दिखाया चीजें हो जाती है कुछ रैंडम वगैरह फील हो जाता है तो वो होपफुली पार्ट टू के अंदर हाँ कम करेंगे आ, और अपन को एक्चुअली में अच्छा सीजीआई फाइट देखने को मिलेगी फाइट लेकिन जैसे पार्ट टू के लिए मेरे को समझ भी नहीं आया कि वो किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं I think, I think बता है वो अभी और बिल्डअप वो नहीं बोल देता अपना आ, हा, हा, हनु हनुमान जो अपना इंसान होता है ठीक है तो बोल देता है ना कि मैं अकेले कैसे करूंगा तब तो मुझको लगा कि असेंबल वाली टीम की बात हो भाई इसमें था मोमेंट, पता है तुमको Avengers असेंबल वाला उसमें भी एक ऐसा सीन था तो थोड़ा सा ओवरलैप हो गया मेरे दिमाग में

मैं हाँ। मैं वे का काफी अच्छा कुछ कुछ चीजें हाँ। करी कुछ कुछ मेरे लिए, मेरे लिए मतलब कुछ कुछ चीजें मेरे मेरे लिए लिए मतलब था उसका I think उसका हम्म जब आ, भाई। आ तो तुम है। गया तुमको तो लड़की जब तुमने बोला उसने देख उसको उसने मना किया मेरे को मजे आ गए भाई बस ये तो चाहिए था कहानी के अंदर जरूरी ठीक है फिर बाद में वो एक आख साथ हो जाती है चलो ठीक है आगे करोगे गाड़ी को एक आख साथ में पीछे एक अखा डेडिकेटेड सेक्शन रखा हुआ है गाना आ, और उनका वो पूरा फाइट जंगल में उसको तुम तो तो हटा भी दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट रखा हुआ है वो एक्चुअली ना पिक्चर में सुपर ही उसकी लव स्टोरी वाज नॉट नीडेड एट ऑल अगर तुम देखोगे तो क्योंकि ना वो मूवी का बहुत बड़ा चंक है राइट उसकी सुपर हीरो स्टोरी

वो मतलब नहीं मतलब हिंदी डब में जैसा है वो मजा नहीं, नहीं।, नहीं। आया बिल्कुल भी इनफैक्ट वो कान में चुभ रहा था ऐसा है वो कैप्टन मिलर की बात करो बट ऑन दी अदर हैंड तो इसमें देखोगे तो फिर स्कोर वगैरह के इसमें भी शंकर महादेवन को लेके आना और भाई इसका बैकग्राउंड स्कोर तो भाई।, भाई यार अभी ऐसे रिवील कर दिया कि 25 डिलीवर कर देंगे ना ना ना, नहीं, ना, नहीं, भाई तो चालू हो गया है। no, ये इस साल के एंड एंड तक तो अधिरा का वो बता रहे हैं इसी यूनिवर्स की मूवी है वो डिलीवर करोगे कै, आप मैं चाहता भी नहीं आयाट स्टे टाइम और अपन तो अपन अपन एक जिंदगी प्यारी है पच्चीस में ये मैं चाहता हूँ सांस <laughs> ले लू भाई मैं मेरे को ऑक्सीजन अंदर लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है पच्चीस में तो भाई।, दो 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 भाई देखो पच्चीस में नहीं वो उन्होंने मतलब मूवी खत्म होने से पहले उम्मीद दिला दी ना कि अब इसका अगला पार्ट भी आएगा डेट बता के अब वो तो के जी एफ बाहुबली की तरह एक साल दो साल आगे भी जाएगा तो वो तो 26 आई थिंक कर ही देना चाहिए उन लोगों को वो सिर्फ हाइप करने के लिए 25 अगले साल आ रही है तैयार है ना नहीं छब्बीसों का तो बेनिफिट भी ना क्योंकि जब ये टीवी और OTT पे लोग देखेंगे इसको तो फिर पार्ट तो के और, लिए और, और हाई, पर जैसे अपन बैकग्राउंड स्कोर की बात कर रहे थे तो उन्होंने मतलब अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक रखा वो जो पूरे श्लोक वाली जो पूरी चीज थी जैसे बीच में भी जब वो बजरंग बली का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो वाला भी पूरी सीक्वेंस फिर वो जब पानी के अंदर जाके और वो जो वो रुद्रमणि कौन सी रुद्रमणि थी ना तो मणि जी बोलता है और आखिरी में जब बजरंगबली निकल के आते वो वाली पूरी अलग ही वो वो तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाई आप इतना अच्छा बिल्ड करोगे उसको मेरे को इसको अगर भाई मार्वल्स देखो पोस्टर्ड बनाते कैसे ठीक है भाई पता है मेरे को ना ये ऐसा लग रहा था कि अंदर तक ऐसे मेरे को लास्ट टाइम याद नहीं है कि मैंने अंदर तक ऐसे इतना कुछ जो फील करते ना अपन बम्स और आ, वो आ, भाई वो भाई रोंगटे खड़े होने वाली जो फील होती है उसको ना मतलब उन्होंने दिखाया भी काफी सही ना कि वो हिमालय में वहां हाँ। से उड़ के आ रहे हैं तो लोगों के रिएक्शन अरे और नहीं वाराणसी हाँ इससे मेरे को याद आया कि उन्होंने ना बहुत सारी चीजें रिवील करी जैसे अब बजरंग है ठीक है तो आप उनकी स्ट्रेंथ को कैसे वो करोगे राइट

कल की आता है तो फिर बाद में फिर सब सारे असरों के साथ तो नहीं विनाश उनाश करता है तो वाला एक हिसाब कल्क, है कल्की नहीं आया, नहीं कल्की आया आया का पोस्टर और और वो लेके लोग बाहर खड़े हैं हाँ यार मैं देखा भाई क्यों ये ये क्या प्रमोशन भाई या? भाई यार वो पता है बहुत मेरे को सच में मेरी फट रही थी क्योंकि वो अभी क्या है मेरे को मैं थोड़ा सा चिल था क्योंकि रिलीज डेट आई नहीं थी मूवी की और को लग रहा था कि मतलब मैं थो, मैं उस टाइम बाहर जाने वाला था तो मेरे को लग रहा था कि मैं चलता कि भाई रिलीज डेट आई नहीं है वो भी फिर लेकिन फिर जैसे उन्होंने कहा कि अभी वो टाइमर चालू हो गया मैंने कहा रिलीज डेट आ रही पिक्चर की भाई ये अप्रैल वाले स्लॉट में ही फंसने वाली है मेरी फट गई मैंने कहा मैं हाँ, नही तो मेरे को लगा कि भाई ये उसी टाइम फंसेगी जब मैं बाहर होऊंगा और मेरे काम लगेंगे तो बच गया ना लेकिन तो बच गया मैं एक तारीख को ऑफिस बच आ रहा हूँ बच बच <laughs> बच <गया>, बच <laughs> तो वो नौ को तो एक्सपेक्ट करो एक हफ्ते पहले तो कोई पिक्चर होगी नहीं उसके हाँ तो उस टॉट में वैसे भी कोई मूवी नहीं होगी कि आईपीएल वाईपीएल चलता रहेगा तो आईपीएल हर साल जाता है क्या वाह भाई तू बहुत अच्छा बहुत बड़े इसी देश में रहते हो ना तुम मैं इतना इतना नहीं रहता के लिए भाई। तुम इतना किसी वो तुमको मिल नहीं रहा है ये पीजे ने जो क्वेश्चन पूछा उसके बन जाना चाहिए सारे उम्र में जो मैं नहीं भाई मैं कुछ खैर छोड़ो क्या मेरी क्रिसमस की बात कर लेते हैं भाई ठीक है देखा बादल एक सकन, एक सकन। मैं लाइट कर बादल सेकंड सेकंड ने देखी नहीं वो उसी उसी पिक्चर पिक्चर के के दौरान दौरान कर दिया था मेरी क्रिसमस मैंने देखी बट मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि मैं भाई उस टाइम पे हंड्रेड परसेंट ऐसा नहीं था यहां से मैं ऐसा फाइट कर रहा हूं देख पिक्चर देख पिक्चर देख तो वही स्टोरी पता चल गई मुझे और मेरे को इतना याद है कि मेरे को मजा आया कैटरीना कैफ के, को उस ड्रेस में देख के सन ड्रेस में देख के भाई सन ड्रेस सब पे अच्छी लगती है सिवाय लॉन्डो हाँ वो तो ऑब्वियस बात है भाई।, <laughs> भाई जान पे भी चलती है ओ <laughs> भाई तो वो अच्छा लगा वो कुछ कैमरा शॉट्स भी अच्छे लगे जो उन्होंने यूज किए हुए थे भाई मेरे को मूवी की ओवरऑल वाइब बहुत सही लगी जो श्रीराम राघवन ट्रू, ट्रू मुंबई बम्बई एस्थे, बंबई एस्थेटिक्स से एस्थेटिक्स बोलते हैं बॉम्बे बॉम्बे एस्थेटिक्स बॉंबे। तो ये बहुत अच्छा लगा के 90s के बॉम्बे एस्थ श्रीराम राघवन जो एक वो होता है ना सिनेफाइल के लिए जो मूवी बनाते हैं वो भाई मतलब आपकी आंखों को इतना प्लीजिंग लगेगा ना वो Hmm. कि मतलब मैं क्या बताऊं मतलब आपको ऐसा लगता yeah. है कि भाई बस अपनी कुर्सी पीछे करो और बस देखते चले आओ यू कैन जस्ट वॉच इट फॉर आवर्स एंड आवर्स व्हाटएवर ही मेक्स बस वो ये है कि बहुत स्लो बर्न है वो मूवी दैट्स ऑबवियस नियोनॉर तब भाई उसका मतलब हाँ, भी हो जाता है वही स्लो चलेगा हाँ. और वो अंडरस्टैंडेबल भी था वो शुरू के जो कोजी कोजी मोमेंट्स चल रहे थे मैं मैं चिल होकर देख रहा था मुझे hmm. अच्छा भी लगा ऐसी बात है फिर जब मिस्ट्री उस्ट्री शुरू हो गई ना कि अच्छा स्वीट रोमांस के अलावा ये भी है इसमें <laughs> क्योंकि भाई मैं, मैं इंतजार कर रहा था अच्छा मैं बता बस ये बोलूँगा की अच्छा है लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग भी नहीं है बहुत सेटिस भी नहीं है अच्छा है काफी स्टार्ट आउट करता है ठीक है आप मैं 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 ध्यान मैं सीट पे मतलब ऐसे ध्यान से देख रहा था कि अच्छा आप क्या हो रहा है मुझे ऐसे कुछ मिस ना होना चाहिए डायलॉग्स तो चल नहीं रहे थे वहाँ पे हाँ देख के तो अच्छा लगा लेकिन फिर भी मैं एक, एक 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 होल फील हुआ कि हाँ वो होल आपने फिल नहीं किया हुआ है बॉडी में इन नॉन सेक्शुअल वे ठीक है <laughs> कहां ओ, फिल ओ, कहां, कहां कौन सा होल कैसे फिल करवाना चाहते हो बताओ अभी करवाई देते, देते तुम हैं तुमने ना एक-एक वर्ड ऐड करते तो करते उसको खराब बनाते गए जस्ट मेड इट वर्स ठीक है तो, तो मैं वही बोलूंगा एक देखा देख होल फिल नहीं किया हुआ है बॉडी मुझको कोई वर्ड नहीं मिल रहा था भाई कि मैं बोलूं क्या कौन सा वर्ड है ठीक तो मैं मैं देखा अच्छा लगा देखो देखो तुम्हारे, न... तुम्हारे बॉडी न... का कौन सा हॉल है जो फिल करवाना चाहते हो नहीं <laughs> नहीं कर पाई मेरी देखो, देखो नॉर्मल एवरीडे दे बॉलीवुड मूवी नहीं है इंडियन मूवी नहीं है ठीक है तो मैं देखना तो जरूर रिकमेंड करूंगा और अच्छी भी है लेकिन सेटिस्फाइंग नहीं है कि हाँ भाई भाई मजा ही आ गया ऐसा नहीं था तो मतलब मिस्ट्री वगैरह जैसे अब एक्सपेक्टेड था श्री राम राघवन तो मैं उम्मीद मैं देख रहा हूँ भाई जैसे कभी कभी होता है ना कि अब तुमको आदत हो गई रहती है कि ये शॉट है तो ये इतने टाइम तक चलेगा बट उसको कभी कभी ऐसे एक सेकेंट, थो थो सेकेंट, थोड़ा। ऐसे थोड़ा थोड़ा बता खींच लेते तो तुमको लगता है कुछ, थोड़ा कुछ बता, होने जो, वाला ऐसे तो वो एंटीसिपेशन के कारण मैं हुक था मूवी के अंदर कि वो बोल रही है कि तू तुम नहीं होती तो मैं पागल हो जाती इसका क्या मतलब हुआ जब वो अपनी बेटी को सुलाने जाती है तो

यही पता है यही मेरी मूवी के साथ प्रॉब्लम रही कि मूवी ना आपको लीड ऑन करती है कि मूवी में ऐसा एटमोसफियर क्रिएट हुआ है बहुत जगह पे जहाँ पे मूवी आपको ऐसा लीड करती है कि यू स्टार्ट थिंकिंग कि नाउ द मूवी इज गोइंग टू गो समवेयर बट इट डज नॉट कि आप जब वो जब जैसे वो प्रिटेंशियस फील नहीं होता है तुमको कि मतलब ऐसे जो नुआंस और डिटेल्स छोड़ दिए छोड़ दी अच्छी बात है अभी डिजिटल पर देखूँगा तो और भी नज़र आ जाएंगे तो लेकिन थोड़ा सा पिटेंशियस भी फील होता है कि आप अब थोड़ा सा वो ज़्यादा बता रहे हो जो आप हो नहीं हाँ क्योंकि जैसे वो ना आप लीड तो कर देते हो लेकिन आप वो हो नहीं नहीं मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ लेकिन मेरे को हाँ ये चीज़ जरूर समझ में आई कि जैसे आ, तुमको ऐसा लगा क्या कि बार बार मूवी मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो वाला सीन है जहाँ पे विजय सेतुपति पूरा टाइम रूम में खड़ा रहता है ठीक है और वो कभी रिकॉर्ड प्लेयर पे है कभी वो वहाँ पे चिड़िया का वो टांग रहा है कभी वो किताबें देख रहा है कभी कुछ कर रहा है तो वो सीन करीब चार पाँच मिनट का होगा आई थिंक तो उस पूरे मोमेंट पे यू कीप थिंकिंग कि ये पूरा का पूरा सीन हमको किसी ना किसी दिस इज गोइंग टू गो समवेयर हाँ अभी कुछ रिवील करेगा हाँ, तो ये हमको बहुत ध्यान से देखना है

हम उस चीज को इसीलिए देखें ताकि वो बिकॉज इट रिजेंबल्स में बनाया हुआ आपको क्लियर होगा कि ओ ये बात यही ये, ये चीज वो छोड़ कर देते हैं जब वो नहीं पीछे से निकल रहा होता है पुलिस आ जाती है ठीक है और फिर पीछे पीछ वाले कमरे में जाता है वो बिल्ड हो, हो रहा है बिल्ड हो रहा है बिल्ड हो रहा है फिर काट दिया उन्होंने काफी exactly. टाइम बाद आपको पता चलता है कि ओके दोनों चीजें अलग अलग है। hmm. हाँ. हाँ. नहीं बट वो सेक्शन जो पूरा कट के है ना उसका एक और पे ऑफ 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 काइंड काइंड तुम समझ सकते हो कि जब उसको मर्डर दिखता है वहां पे और वो बोलता है कि मेरे को इसमें नहीं पड़ रहा मैं यहाँ से जा रहा हूँ और फिर वो गड़बड़ी में सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा रहा है तब तो, तब तो मुझे क्लिक हुआ कि ओ उन्होंने इतना टाइम दिखाया हुआ था कि ये वहाँ हाथ लगा रहा है यहाँ हाथ लगा रहा है हाँ नहीं वो फिंगरप्रिंट अब कहा होंगे

अच्छा था इसका जो कि आपके ऊपर छोड़ छोड़ देता है के लिए स्पेशली तो मतलब उसने, हाँ, पकड़ा मतलब उसने अपने बात हाँ। हाँ। तो क्लियर हो गया ना की सात साल तो काट के आई हुए हैं अब ये हो गया इसने भी गुटी उठी पहन ली अब तो जब निकल के आऊंगा तब तो फिर तो वो, रोड़ा वो निकल जाएगी कहीं और तो रहेगी रहे वो वो निकल जाएगी भाई वो मैं मेरे को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कटरीना कैरेक्टर <laughs> एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं है भाई तू तो तेरे टेबल के नीचे कुल्हाड़े पड़े हुए हैं ठीक है मुझको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है उसके ऊपर अनरबल नरेटर होता है ना जो हाँ अनरबल नरेटर देखे ना पर कई सारी मूवीज में होते हैं तो जो वो इतना प्लान बना सकता हा, हा, है, ठीक ना मुझको मुझको लगा कि अभी तो काट के हो गया बेकरी लेकिन, लेकिन अंगूठी वाली चीज भी वो नहीं थी कि मतलब मैं तुमको वो तो अपरचुनिस्ट है ठीक है नहीं नहीं वो बेसिकली ये था उसने अंगूठी इसलिए पहनाई थी उसको पुलिस तो वालों को दिखाने के लिए कि मैंने ये सब हम दोनों ने मतलब मैंने हम दोनों का चक्कर था राइट वी hmm. hmm. तो आई मर्डर्ड हिम बिकॉज अंगूठी पहनाई और वो जाके बेंच पे बैठ गया ये था hmm. उसका वो उसका रि वो रिंग वाले सीन का एक और मतलब निकलता है ठीक hmm. है मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ये पक्की लव स्टोरी थी तो हाँ. उसमें उसका एंगल कैसे पता चलता है वो उसको बोलता है ना कि मैं रिंग तब जब वो मेरे माइंड से निकल जाएगी हाँ, ऐसा, हाँ, ऐसा हाँ, कुछ तो बोलता है ना हाँ, तो रिंग देने का मतलब की वो भूल नहीं पाएगा बाहर रहा होता तो मौका मिल गया होता पुरानी को भूल वही 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 वो तो तभी भूल गया था जब उसने टेबल पे कैटरीना को देखा था ठीक है अरे भाई वो जब बोलता है ना कि रोजी की तुम मुझे रोजी की याद दिलाती हो तभी तो भाई वो तो बाद में पता चला ना मुझको तो लग रहा था काम धंधे वाला इंसान अगले सात साल अब रोज ही वही याद दिलाई अगले अगले सात साल अब मारिया होगी सात साल सात साल तब अब अगले साल साल अगले सात साल मारिया की मारी जाएगी भाई यार वो बेचारा भाई क्या बताओ ऐसे तो पति फंस गया गलत आप ठीक है कैरेक्टर को बोल रहा हूँ क्या किस्मत वही भाई आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है ठीक ना वो चुपचाप निकल गया था अपना वहाँ पे फिर बाद में फटे, <laughs> फटे में आ गया के भाई यार भाई। कुछ भी कहो जेल से निकल कर पहली लड़की के ऊपर जो नजर डालता है वो मेरे को समझ में नहीं आया उसको जरूरत थी क्या भाई चला गया था तू अपना ठीक है तुमने तुमको जरूरत थी क्या वापस आने की वो मुझे, मुझे ये बात बताओ कि इंटरवल स्टार्ट होने के बाद हल्का सा कुछ सीने मैंने तीन, का इंटरवल <laughs> जब स्टार्थ? अंदर आया तो वो दोनों गाड़ी में बैठ के वापस इसके अपार्टमेंट में आ चुके होते हैं अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि फिर ये विजय सेतुपति क्यों आया नहीं तो इंटरवल स्टार्ट इंटरवल स्टार्ट होने के बाद ना वो रहता है कि जैसे इंटरवल स्टार्ट होता है तो आ, वो आ, एक मिनट याद देना। वो मिलता वो नया बंदा उसको मिलता कहाँ पे आ, नहीं ये क्या होता है इंटरवेल अच्छा वो जो नया बंदा हाँ। वो चर्च में मिलता है उसको। हाँ नहीं हाँ। ये क्या होता है इंटरवल स्टार्ट होने के बाद ये भाई साहब क्या होते हैं बैठे रहते हैं एक जगह और जाते हैं कॉफी पीने ठीक है वैसी सड़क पे एक भाई साहब खड़े रहते है ब्लैक कॉफी देना तो वहाँ पुलिस आ जाती है ठीक है जाती है तो इसकी पड़ जाती है कि पुलिस <laughs> यहाँ पे भी आ गई बैठे तो इतने में कटरीना कैफ सामने से निकलती हुई दिखती है अपनी बच्ची के साथ तो कहता है ये चल क्या रहा है, है यहाँ से ये भी जा रही है वो, वो समझ में आता है कि जेनविन क्यूरियोसिटी की बहचो तेरे घर हुआ है मर्डर तो मतलब तेरे घर मर्डर हुआ है तो बहुत अपनी बच्ची को लेके फिर यहाँ से जा रही है रात में बजे 12 बज रहे हैं तो पुलिस रोक तो लेती है उसको की आप जा कर रही हो रात में बारह बजे तो कहती है मैं चर्च जा रही हूँ मिड नाइट मास के लिए तो कहते है टैक्सी कर रोक देते है की आप टैक्सी में जाओ तो कहता है की ये चर्च जा रही है घर में मर्डर हुआ है तो वो बहचो उसके पीछे पीछे वो भी चर्च पहुंच जाता है हाँ। अब वो चर्च पहुंचता है तो चर्च में क्या होता है वो बैठे बैठे बेहोश हो, हो जाती मास जातीश तो होती है तो उसको लोग बाहर लेके जाते हैं कि सब ठीक तो है तो ये भी उसके पीछे पीछे बाहर जाता है हाँ। बाहर जाता है तो वो इसको देख के कहती है कि तू क्या कर रहा है निकल यहाँ से मेरे बीच में मत आ तो वो लेकिन नहीं बीच में तो आना है <laughs> तो वो संजय संजय कपूर जो होता है वो इसको कहता है कि तुम गाड़ी चला लेते हो तो कहता है हाँ? अच्छा। तो बोले चलो गाड़ी में लेके बैठो इनको घर ले चलते हैं अपन दोनों वो घर पर पहुंच के वो सोच रहे होते हैं कि आज होगा थ्री हाँ। वे ठीक है हाईवे पे तीन गाड़ियां एक साथ चलेंगी सैंडविच <laughs> सैंडविच <साँच्छा>। तो? <laughs>

ऐसा होता है ना कि टाइम के बाहर से तुम देख रहे हो सारी चीजें तो, होती तो होते हुए। वो तो फिर बाद में पता चल गया ये असली कांडी औरत है ठीक है ठीक है लेकिन फिर बाद में तक मैं कभी कभी ये इस बात का दुख होता है कि क्यों जे? ये पिक्चर सुनो तो, सुनो, हा, कि हा, पिक्चर ये काश ये हॉलीवुड में बनी होती तो क्या हो जाता हॉलीवुड में तो मैं नहीं बोलूंगा इधर कुछ अच्छा हाँ आई थिंक आई

और उसके घर तो बिल्कुल जाना नहीं भाई यार भाई वो तो पहले पूछ लिया उसको ठीक ना फिर सेतुपति फिर उसके साथ बाहर चला गया मुझको लगा साले क्रिसमस की रात है पिड़ी आएगा फालतू में चल जा चुपचाप अपने घर ठीक है भाई लेकिन साला वो आदमी मैं देखे जा रहा हूँ विजय सेतुपति को रेड फ्लैग पे रेड फ्लैग मिले जा रहे हैं एक बार मिल गए भाई भैचू एक बार हो गया कांड तेरे साथ तो दूसरी बार और दूसरी बार तो मतलब जैसे होता है ना आप क्या करते हो जैसे वो गेम खेला तुमने दूसरी दूसरी बार तो, भी तो निकल गया था अरे भाई घूम के आया वो तो तुमने कभी इंटरनेट बैंकिंग के गलत पासवर्ड डाले <laughs> हाँ. तो वो एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट तीन अटेम्प्ट फिर लॉक हाँ. लॉक तो वो भाई पहला रॉन्ग होता तो कांड पड़ने लगता इंसान की अब करूँ कि नहीं करूँ वो का जो पचास बार डाले जा रहा है टै टह टह होती चली जा रही है उसके साथ फिर भी लगा हुआ है मैं कह रहा हूं रुक जा तू मर जाएगा कर क्या रहा है तू भाई वो और अच्छा था कि आज हो जाए कुछ ठीक ट्रीना <coughs> का नशा ही ऐसा है और पिक्चर और... का टाइटल क्या सुनो क्या टाइ क्या देता छोटा टाइटल देती है रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी ठीक <coughs> ना लेकिन भूल रातें रंगीन नहीं हो पाएंगी <coughs> वो आदमी तब तक हरकत पटकता रहा जब तक उसकी घोड़ नहीं मर गई वो जब तक पुलिस स्टेशन में जाके बेंच पे बैठ नहीं गया तब तक वो हरकत करता रहा भाई मतलब इतनी उंगल कर लो वो तुम ये देखो मतलब वो निकल गई संजय कपूर को लेके वो चली गई तो उसको पता था कि लाश आएगी इधर वो आदमी घर उतर के वहां से वापस आया पीछे के दरवाज चढ़ा चढ़ने के बाद उसने अपार्टमेंट में झांक के देखा लाश आ चुकी है तुमको तब भी समझ में नहीं आ रही <laughs> हाँ। उसके बाद उसने उसकी बच्ची को खिलाया आ, वो पता नहीं क्या हाँ। कर रहा वहां पे यार तुम उसकी बच्ची को खिला रहे हो उसके पुलिस बाद, घर में है भाई हाँ। पुलिस घर में उसके, उसके भी बाद कैटरीना कैफ आ गई Hmm. उसको स्माइल देने के बाद मतलब उसको क्या टशन दिखा रहे हो तुम hmm. कि देख मैं था इधर hmm. मैंने देख hmm. लिया hmm. वो तुमको भगा रही है कि तू भाग जा hmm. जाएगा हाँ hmm. तू कर क्या रहा है हम मैं भी यही बोल रहा हूं कि तू कर क्या रहा है hmm. उसका उसका ये मकसद था कि मैं बर्बाद होना चाहता रहा <laughs> <था। laughs> भाई यार मैं बताऊ विजय सेतुपति अपनी लव लाइफ कंटिन्यू कर सकता था अगर बंदा चुपचाप सोने चला गया होता अपने घर exactly, और दूसरे, exactly, दिन exactly, exactly. दूसरे दिन आया होता ठीक ना दूसरे था उसको चला जाता ठीक है लेकिन तू तो अपना कंटिन्यू कर सकती थी कर सकता था जिंदगी भाई और भाई तुम जब तक वहां पे पुलिस नहीं आ गई तब तक वो आदमी वहीं खड़ा रहा सुनो ना भाई वही विजय से तो मत दिमाग से नहीं सोच रहे थे भाई <laughs> भाई जैसे उसको उसको मिली 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 गई <laughs> गई ओ यार अगर अगर वो कहीं और से छोड़ के, कहीं और से सोचे होते भाई उसने इतने ओ गलत डाले मैं तुमको मजाक नहीं कर रहा हूं ओ <laughs> <वो> भाई यार <laughs> भाई oh साहब यार हाँ। इतने इतने इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड गलत हुए उस आदमी के कि कभी उसको खाता बंद करवा दिया उसका परमानेंट हाँ अब भाई यार अगर अगर इतना ही हरामी होना हाँ, हाँ। <laughs> करो करो मासूम सी बात भी नहीं कर सकता किसी से नहीं कहता कटरीना जी दो पैकेट नान खटाई देना आपकी फेमस हाँ वो जो कल बनाई थी आपने उसको बाहर कर दिया था उसको छोड़ के आगे रस्ते पे घर जाके चुपचाप हिला के सो गया रहता वो, तो वो भाई यार चूतिया गिरी कर दिया था वो वहां पे <laughs> भाई यार मैं भाई तो वही जाएगा उस खेला सब लोग सब लोग चैट में सैड फॉर सैड फॉर विजय करेंगे सैड फॉर विजय भाई यार सैड फॉर विजय ब्रो यार मतलब मैं 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 बता नहीं सकता भाई मैं <laughs> कितना आई वाज स्क्रीमिंग ब्रो मैं सोच रहा हूं यार मत जा भाई मत जा भाई नारी एक तो भाई, एक तो तो भाई पिक्चर जब शुरू में कोजी कोजी हुई थोड़ा सा दिल में मीठा मीठा दर्द तो ऐसे ही शुरू हो गया मेरे hmm. कि भाई यार मैं ये मैं ये देखने के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ वो भी मैं ठीक है मैं तो खुद अच्छा, अच्छा, ही तो अच्छा, एक बात बताओ ठीक है वट वॉज योर रिएक्शन जब पहली बार कैटरीना कैफ को दिखाते हैं ठीक है और ये दो बार सिर्फ मुड़ के देखते हो और कैटरीना उसके पीछे पीछे आने लगती है

हाँ मैं मैं तो चल जाता मैं बहन जी प्लीज मैं, मैं जा रहा हूँ कौन आप मैं नहीं जानता मैं आपको ठीक है सामने सात साल मर्डर के आया हूं मैं बता दे रहा हूँ मैं मैं जा रहा हूँ <laughs> उससे ज्यादा डेंजरस ही होता कहते थे सात साल दुबई रह गया ओ भाई यार <laughs> खैर खैर ओ बता विजय सेतुपति तो बस

एंड वो एक्सपेक्टेड नहीं था क्लाइमेक्स का ठीक hmm. तो तो है 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 एंड होता ना वो है। वो हाँ? बेटी बो, बो, <laughs> <ही थी>। <laughs> <ही थी>। <laughs> एक शब्द बोलती पापा भाई बोल नहीं सकती थी वही देखो, देखो जिंदगी में दो बार <laughs> फिर क्या क्या हुआ फिर क्या जिंदगी में पता है दो बार ऐसे खुशी हुई है और दुख हुआ है लड़कियों के बोलने इस। पे इस। <laughs> एक एक पता एक भाईजान में नहीं जब बोलती मामा वहां पे इमोशनल हो गया था खुश हो गया था इधर देख के मैं माथा पकड़ लेता हे भगवान इसकी मां और वो अच्छा, लेकिन भी वो मेरी लेकिन वो ही उसको, है। ले, लेकिन वो उसको पुलिस स्टेशन क्यों बुला लिए मुझको अभी अरे वो रात को उसको मारे रहते हैं ना डंडे पकड़ के वो बोलता है ना कि शेर को भालू या भालू को दंडे मारो तो कबूल कर लेता है कि मैं शेर हूँ तो वो जो दूसरा आदमी फंसा रहता है उसको मार के वो लोग रहता है करके तो वहां पे उसका नाम निकलता है ना तो ऐसे एक पूछताछ के लिए बुला लेते हैं कि किलबर्ट लेके आ जा जाएर्ट क्योंकि मेन तो उनके पास ये दो ही होते हैं ना कैटरीना कैफ और वो तो तीसरा बंदे का नाम आया तो फिर आ जाओ और वो चला जाता है उसी का पर्स लेके चूतिया था वो पर्स जला देते ना तो पूरा गेम बच जाते वो वही तो कोई प्रूफ ही नहीं होता ना वो अच्छाई भी करना चाह रहा है देखो अब इसीलिए भाई बुरा करो तो शिद्दत से करो हाँ कि नहीं मैं डाल दूंगा चर्च में मिल जाएगा ये वो तो हाँ, वैस्ट वैस्ट काम नहीं नहीं। वो, 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 वो कटरीना के सामने रौला बांध रहा था ठीक है वो जैसे ना कि कटरीना आई विटनेस दो मछली पहन चो ताला जान रहा हूँ तू क्या कर रहा है ठीक है रिस नहीं है तेरे पास एं, एंड वो को दिखाया वैसे भी है कि सिंगल टेक में दिखाते हैं वो कि तीन लोगों का जो बयान चल रहा है वो कैमरा यहाँ से वहाँ घूमने जा रहा है वो और उस टाइम पे अपना लगता है कि चलो बच गए तीनों के मैच हो गए फिर वो जो संजय कपूर या संजीव कपूर जो भी संजय कपूर वो जो एकदम से बोलता है कि सर सर मैंने अपना वॉलेट जानबूझ के छोड़ा हुआ था हाँ। वो वो ट्विस्ट अनएक्सपेक्टेड था भाई कि ये अब भाई वो तो उसकी औरत अलग ही सार्केजम पे ले जा रही है सार्केजम सर नहीं भाई, भाई वो सीधी थी हां सीधी थी अच्छा सी अच्छा हां वो भोली वाली थी भाई आदमी आदमी एक्सप्लॉइटेड था के सर काम वाली भाई क्या है वो है सब हेल्प करते हैं आप काट दो ना पर यार मतलब वो अच्छा अब देखो अब सीरियस अगर सीरियस ही बात कर रहे हैं तो इस सीन को उन्होंने कितना वेल well कनेक्ट किया ठीक है जब विजय सेतुपति उसकी बेटी के पास जाता है ठीक है तो वो पूरा का पूरा वो जलपरी और वो वाली कहानी सुनाता है हाँ और उसको वो करता है कि वो कहानी यहाँ पे आके कनेक्ट होती है ठीक है वो उसको कहानी सुनाता है कि वो एक आती है उसकी आवाज़ लेके चली जाती है और आवाज़ लेके जाने के बाद वो उसको आखिरी में कहती है छू मंतर और उसकी आवाज आ जाती है और उसको आवाज मिल जाती है तो वो साला पुलिस वाला भी उसको वही बोलता है छू वो hmm. और जैसी छू मंतर बोलता hmm. है वो उसको आवाज दे देता है हाँ ah. तो ये इतना वेल well कनेक्टेड थी ना ये स्टोरी फकौल हो गया बैच तो <laughs> वो विजय से तो, तो पति <laughs> के साथ ही हो गया वो बोली और उसी <laughs> के लौड़े लगा दी हाँ <laughs> oh, यार आदमी आदमी फंस जाता है सब मामले में यार क्या

नाम में प्रोनाउंस नहीं करता तो तर, तो मैंने सुना हुआ है वो बहुत ज्यादा हाँ तो नहीं ज्यादातर वो नीडल ड्रॉप्स ही थे यू इसके बाद जो बिल्ड करने में काफी अच्छा हेल्प करते हैं सीन्स को पह, आ, पह, 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 वो वाला वाला। अच्छा वो है क्या टडनट हां वही 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 हां काफी आइकॉनिक पीस है ओह मैंने इतना नोटिस नहीं किया देखो मूवी डेफिनेटली अच्छी है गजब लेकिन ना मतलब क्या होता है कि देर आर सो मेनी मूव जैसे अपन उसके बारे में इतनी देर बात कर चुके हैं मतलब अपन मजे जो ले हाँ, रहा इट इज डेफिनेटली गुड वॉच आप उसको इंजॉय करते हो और मतलब अपन बात कर रहे हैं उसके बारे में तो मजा आ ही रहा है और आई एम वेरी श्योर की लोग उसको मतलब सुन रहे होंगे तो उनको भी मजा आएगा लेकिन ना क्या है कि मतलब जब आप उसको देखने बैठते हो ना तो बहुत स्लो बर्न टाइप की मूवी है तो वो ड्रैग यू डाउन

<laughs> मेरे भेंचौ जब निकल रहा हो होता मैं क्या बैग गई किडनी कलेजा फेफड़ा भी इसका यार भाई और आ, उसका सबसे बहत जो लास्ट वाला सीन था ना वो जब थप्पक से मारता है डंडे से अब अच्छा खत्म होती है तो भाई, भाई बुरा लगता है जब उसकी आंखें जाती है एक्चुअली बुरा लगता सही, है उसको यार सही, यार अंधा धंधा इज एक्चुअली वन ऑफ द मास्टरपीस मूवीज

यही तो था जब आपको चाहिए था बहुत अच्छी पिक्चर है वो बहुत अच्छी वो एक शॉर्ट फिल्म के ऊपर बेस्ड है हाँ हाँ बाहर की शॉर्ट फिल्म थी जिसमें वो शायद शॉर्ट फिल्म ख़त्म होती है वो पूरा सीन था वो पियानो बजाने जाता है और मर्डर होता है और वो रिएक्ट नहीं कर सकता और वो जो औरत होती है तबू का कैरेक्टर वो सोच रही होती है कि ये देख सकता है कि नहीं देख सकता है और उसके कंधे पे यहाँ पे ऐसा गन रखते हैं और वहाँ पे शॉर्ट फिल्म खत्म होती है मतलब उतना ही था वो फिर उन्होंने उसको और आगे एक्सटेंड किया पिक्चर के लिए हाँ लेकिन मतलब फिर भी स्टिल मूवी हाँ। उसके ऊपर एक पूरी मूवी बना देना इस समथिंग वेरी इनक्रेडिबल नहीं 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 अच्छा था यार अच्छा यार अभी कैप्टन मिलर की बात कर ले कैप्टन मिलर yeah. गुंतुर कारम किसी ने नहीं देखी न? ना नहीं देखी। देखो मेरे यहाँ सिर्फ नहीं ये नहीं तीन पिक्चरें लगी हैं मेरे उसका शो था तेलुगु में था बट मैं ही नहीं था ओके okay. okay. मेरे यहाँ सिर्फ ये तीन पिक्चर लगे मेरे यहाँ वो अलायन अलायन वो भी नहीं लगी एलियन वाली और अभी, मैं देख सकता था लेकिन लगी नहीं अभी फिर क्या मैं घूमू अभी क्या मेरे क्रिसमस के लिए घूम के आया मैं तो तुमने देख लेना कैप्टन मिला ठीक है अच्छी पिक्चर हाँ यार मेरे को देखना है मैं क्या भाई यार मतलब जो क्वालिटी देकर जाती है पिक्चर मैं कहीं लूज नहीं किया मूवी ने पांच बड़े एक्शन है मूवी में हुँ. पर भी बड़े म, कायदे के मैंने भी बैक टू बैक देखी थी मैं म, 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 मेरा कंप्लेन सिर्फ वही रहेगा मूवी के क्लाइमेक्स को लेके कि जो वो एवेंजर्स बन जाते हैं ना एंड में वो बता है सेकंड हाफ के में बात करो मैं आता तो हूं पांच मिनट में क्योंकि बड़े 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 एक्शन सीन्स तीन है इंटरवल के बाद और फिर आप वो, वो उनमें डायमेंशन बहुत ज्यादा नहीं है ना जैसे की हाँ। क्या होता है आप जब हो। वही हाँ। पे ही वह, वैसा हाँ। ही बड़ा एक्शन सीक्वेंस है बुरा नहीं है लेकिन वो फ्लैट फील होने लगता है थोड़ा सा डायमेंशन होते ना इधर उधर से थोड़ा सा और बेटर लगता लेकिन जैसे की था ना मिशन इम्पॉसिबल में पहले तो वो गिरने वाला पहाड़ पे से वो आप अलग डायमेंशन देता है फिर ट्रेन में अलग डायमेंशन आता है तो ऐसा भी कुछ चाहिए था इसके अंदर जो कि मिला नहीं लेकिन सबकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन मिलर का थीम सेकेंड हाफ में बचता है ठीक है सेकेंड हाफ में जब बचता है अरे भाई खत्म मतलब

वो तो अलग ही में पड़ा रहता था ठीक है <laughs> वो तक छाप छोड़ के चला गया जो अंग्रेज आते हैं वो भी अपना जो जो आ रहे जो स्क्रीन पे दिख रहे वो सब छाप छोड़ के वैसा नहीं लगा कि वो थी यार मजा आया उन्होंने काफी फैंसी वे में प्रेजेंट किया हुआ है तो अच्छा भी लगा मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कर रहे हो सही था मज़ा आ गया आपको देख के अच्छा लगा और जो प्रेजेंट कर रहे थे ब्लैक एंड वाइट में भी शुरू हुआ जो चीज़ हो चुकी है फिर बाद में उसका मीनिंग निकलता है hmm. क्योंकि एक एक जो देहाती रॉनेस होती है ना उसको क्या कहते हैं लोग बहुत ही ऐसे नॉट सो फ्लैटरिंग वे में दिखाते हैं। लेकिन ये स्टाइलाइज था मतलब ग्रिटी होने के बावजूद hmm. भी बहुत बहुत खूबसूरत लगा मुझको बहुत खूबसूरत जैसे एक नहीं, पीकी ब्लाइंडर्स का को ब्लाइंडर कोई एपिसोड आप देख रहे होते जो घोड़ा उड़ा आता है पीछे क्या लुक दे रहा है ऐसे, तो लग रहा है लग था मजा आई देख के मुझे लगा था वो बता वो जो सात सौ सैनिक वाला हिसाब है ना वो नेक्स्ट पिक्चर में हो जाएगा डिले हाँ, 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 इसी में इसी मेरे, वो इसीलिए थोड़ा फ्लैट फील हो जाता है ना मतलब हुआ क्या यही तो हुआ फिर जो खब कर रहे थे वही किए फिर दोबारा से घूम के हाँ थोड़ा सा अलग दिया होता तो बेटर रहता लेकिन हाँ उन्होंने हिंट दिया हुआ है प्रॉमिस नहीं किया है कि आएगा लेकिन हिंट है पिक्चर 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 महंगी महंगी आई थिंक ना तीन उन सो? तीन पता पता नहीं है 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 शायद या जितना भी होगा पिक्चर पिक्चर, देख के के ही पता चलता है। आ, भाई शॉट्स बड़े खूबसूरत लगे थे यार मतलब वो जो जब शुरू में चिता जलाने वाला जो नहीं पूरा सबको एक साथ जला सि, आपको सिल्वेट देखने को मिलती है भाई बहुत खतरनाक खूबसूरत था से भरा हुआ है था भाई, भाई वो बता रहे हो कैरेक्टर इतना अच्छा कास्ट हुई है जो उसके साथ बंदा नहीं वो ट्रॉमा में चला जाता है मारने के बाद खुद को शूट कर लेता है आगा। भाई आगा। कित, कितनी दमदार परफॉर्मेंस भाई कितनी दमदार परफॉर्मेंस मजा आ गई देख के पोस्ट क्रेडिट तो नहीं होगा मूवी में बस वो एपिलॉग डाल के छोड़ दिया उन्होंने आई थिंक पता नहीं मैं मैं रुका नहीं मैं नाम आई थिंक हाँ ये भी ठीक था भाई वो मतलब वो देख गया लड़की का हिंट मिल गया कि कुछ नहीं होने वाला है उसके चक्कर नहीं पड़े भैया अगर हम जा रहे हैं मिलिट्री में अपना अपना देख आप लो आप लोग ठीक दरवाजे वो, उसको के पे, वो ये ये बड़ा मस्त लगा कि भाई यार की अभी फिर प्यार मोहब्बत की बकचोदी ये लोग करेंगे फिर इसके पीछे पड़ेगा आधी पिक्चर इसी बकचोदी में निकलेगी नहीं कहानी देखने को मिली भाई प्रॉपर अपन को अफर

क्या परफॉर्मेंस देकर जाती है लेकिन वो एक छोटा सा सा क्रिटिसिज्म है और जो एक्शन भी फ्लैट थोड़ा सा फील होता वो, चल रहा था, उसके, उसके कुछ एस्पेक्ट्स काफी अच्छे थे जिस तरीके से उन्होंने पूरा ट्रैकिंग शॉट वगैरह लिया हुआ जबरदस्त और क्या एक तो वो नहीं अपना इंडिया का नेशनल अंग्रेज आता है

पिक्चर चले और उसका अगला पार्ट भी देखने को मिले मुझको क्योंकि ना ये आइटम नंबर उम्बर वाला बक्चौदी नहीं पाले हुए ना काफ़ी मस्त एक्शन पे फोकस किया वो <coughs> अच्छा लगा देख के बीच बीच में कहीं मतलब मेरे को फील हुआ कि जैसे मैं वो गाने का बोल रहा था ना लाइक ओरिजिनल लैंग्वेज में भले ही वो ज़्यादा इम्पैक्ट किया हुआ तो उसका हिंदी डब उतना नहीं काम किया जिसमें पूरा मैं उसको बहुत माइंड नहीं किया ऐसे में ऐसे भी मैं गानों की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता अब आ गया आ गया अभी की था कोरियोग्राफी डांस कोरियोग्राफी अच्छी लगी मुझको मतलब ओवरऑल धनुष के भी वो जो राखोक लगा के नहीं डांस कर रहा होता है अघोरी की तरफ भाई स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में भाई, यार, भाई यार धनुष क्या परफॉर्मेंस दे गया भाई मैं लड़की नहीं हूँ बस ये ये मैं बता रहा हूँ क्या मस्त परफॉर्मेंस दिया धनुष ने वहां पे हां लड़की होते तो भाई मैं मैं निछावर कर देता खुद को

धनुष भाई परफॉर्म भाई मैं बता थंबनेल के लिए पोस्टर्स देखा कैप्टन मिलर के क्रिएटर लेवल के वो एस्थेटिक्स बना यूज कर रहे हैं भाई मस्त लगा मुझको बहुत उसका वो आईमैक्स वाला पोस्टर तो काफी सही आया भाई यार आईमैक्स में जिन्होंने देखा वो तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा भाई यार बस भाई यार भयंकर आईमैक्स यार क्या खोलेंगे खोलेंगे मैन ऑफ कल्चर खोलेंगे आईमैक्स खोलोगे तो कहाँ खोलेंगे यहाँ से पहले आजमगढ़ से बाहर निकल जाओ जब इनसे बोलो कि कुछ करना है तो बोलते है यार नहीं करते ना नहीं नहीं मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ठीक है बा, बाकी का नेक्स्ट टाइम के लिए देखते हैं अभी के लिए इतना कर इतना काफी है ना, 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 ना। बाकी के लिए बाकी का अगली बार के लिए रहने देते है मेरे को लगता है इसकी शादी जब होगी ना इसको इसको अगली बार देखते हैं स्टेज पे चढ़ाने के लिए भाई पीछे से धक्का मारना पड़ेगा मेरे को मारना है आ जा यार मैं यार कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं कम दहेज मांग लिया क्या मैंने <laughs> बोलेगा नहीं बोलेगा कि आ, आ, अभी के लिए इत, इतना ठीक है बा, बाकी का नेक्स्ट टाइम देखते हैं अभी इंगेजमेंट में काफी है बाकी का 2 साल बाद देखते हैं ओ भाई खैर अब कैप्टन मिलर के, के बाद बादल मोनार्क कुछ देखा कि नहीं तुमने मैंने मोनार्क जो है ना छह या सात एपिसोड देखे हुए तो सही तो तो है पांच मोहित ने भी देखे हैं पांच मैंने भी देखे हुए हैं तो अभी तो कल पे कहां तक स्टोरी आई है बताओ पांच पे स्टोरी कहां तक आई हुई है एक वो आइस मॉन्स्टर होता है वो तीन पे था

हाँ तो वो फिफ्थ तो एपिसोड नहीं मतलब आ, सही सही ही चला ऐसे में कुछ खास नहीं था आई थिंक मैंने सुना है कि वो आठ एट एपिसोड के बाद से इट गिर गया ना ना इट वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल क्लाइंब है एकदम इट इट लाइक पिक्स अप फ्रॉम हियर ठीक है फिर वो थोड़ा सा सा डिप करता है जहाँ पे अपन हैं अभी फिर वो पांचवे छठे सातवें एपिसोड तक थोड़ा ऐसा चलता है

टाइम होता है ना देने के लिए पिक्चर में अब तुम मारा-मारी दिखाओगे या इंसानों पे फोकस करोगे नहीं भाई इंसानों में आप तो हमेशा वो, वो एक बच्ची का कैरेक्टर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नहीं सही है जरूरी भी है ना कि मतलब डी डी के बाद एक्चुअली में क्या लोगों ने झेला फिर बाकी कंट्री कैसे अपना पॉलिटिकल सिनेरियो मतलब ये वेब सीरीज बेसिकली तुम्हारा वर्ल्ड बिल्डिंग है exactly. तुम इंसानों का क्या हाल है उसके अंदर वो तुम एक्सप्लोर बता एक्चुअली मैं मॉन्स्टर वर्स की मूवी मूवीज कभी सीरियस रही ही नहीं है वो तो हमेशा ओवर द टॉप ओवर रही है अब सीरियस कहानी यहाँ पे लेकर चलो भाई बता जो उन्होंने क्या एक्चुअल पिक्चर आई थी कॉन्ग स्कल आइलैंड में पोस्ट नहीं छोड़ दिया था टॉम एडिल्सन ब्रिलियंसन के साथ कंटिन्यू कर दो यार सीरीज में

वो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू सी कि जो मतलब वो था ना कि भाई आए मॉन्स्टर आए चले गए लेकिन जो उसका आफ्टर हाँ। इफेक्ट है ना कि हाँ, दुनिया में क्या हुआ क्या उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट हाँ। कि भाई कैसे दुनिया लड़ रही है उसके शॉक से वो सब मिल रहा है गॉडज़िला भत्ता मिल रहा है लोगों को फिर हाँ, हाँ, पे दुनिया जिंदा है।, है और भाई वो वो जो होता है ना कि भाई वो वहाँ पूरा वॉल ऑफ कर दिया उन लोगों ने और एक अलग हाँ। उस पर रह रहे हैं सेटलमेंट बना के और वो वो वहां जापानी मानने को तैयार तो <laughs> <laughs> नहीं आ, है उन लोगों की पता चला मोन्स्टर कैसे शेड्यूल की है नहीं नहीं मुझे नहीं पता गॉड लोगों की अलग मूवी किंग की अलग मूवी आने वाली हाँ गुड

हाँ। क्योंकि हाँ दोनों दोस्त दोनों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मिस हाँ। कर रहे कि काश हाँ। काश कौन हाँ। सा होता मेरे वो वो बोलबरीन की फोटो लेके आती होता मेरे वो बोलबरीन की, की मीम फोटो देखी वो ऐसे वो गाना का गा, गाना बजा रहा ओवर द माउंटेन अक्रॉस द सी जब जब दोनों बिछड़े हुए तभी तो मतलब होगा ना कि हां साथ में होते तो क्या होता you, फिर अगली पिक्चर में यू नेवर रियलाइज देयर वैल्यू टिल दे आर गॉन तो ऐसे गॉडजिला बिस्तर पे लेटा हुआ और ऐसे कौन की फोटो देख रहा है <laughs> फिर फिर जो जब मिले वो बोलता नहीं है वो क्योंकि गॉडजिला पुराना इंसान ठीक है बोलता हीरा बेटे हीरा बेटे <laughs> <laughs> कहीं जी मोजी फिर आह भाई साह मजा आती भाई लेकिन ऐसा गॉर्डसेला पता है इन लोग कोई चूतिये हैं हॉलीवुड वाले अपने से सीखना चाहिए इनको कहानी भाई गॉर्डसेला के ऐसे मॉन्स्टर्स की मूवीज हमेशा वर्थी टॉप रही हैं पुरानी पिक्चरे में देख रहा था वैसे ब्रेकडाउन के ऐसे डिटेल्स के लिए <laughs> सही, सही तो, गौडजिला गौड़्जिल, जो, जो के बच्चे वाला हिसाब था वो अपने वो अपने बच्चे को वो आग से वो ब्लास्ट ब्लास्ट मारना सिखा रहा है पहाड़ और टूट के गिर रहा है। भाई ये क्या लोगों ने सब बना रखे भाई जापान भाई

देखो क्या देखो देखो 29 मार्च कंफर्म है मेरे को आ, लेकिन पहले कौन सी थी ये, ये पिक्चर तब निकली थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 29 मार्च 29 हां पहले तो कौन सी थी? थी ये याद नहीं है तो दो हफ्ते बाद तो 13 अप्रैल के आसपास 13 12 अप्रैल हां 12 अप्रैल थी ऐसे कुछ तो रहा होगा तो 12 अप्रैल से 29 मार्च कर दिए उन लोगों ने क्या पता सब मोहित के लिए खाली कर रहे हैं कि नहीं सही है यार मतलब मस्त का ब्रश रिलीज करो आप लोग देखा जाएगा मज़ा आ जाएगा ब्रो आ, भाई भाई ऐसी मूवीज़ के दिन ना मैं सुबह उठता हूँ ना एक अलग चेहरे में खुशी होती है या अरे <laughs> भाई अब पता है अब क्या होगा अब इसका ट्रेलर भी पहले के सुपर बोल में ट्रेलर ड्रॉप होगा रहा है रहा है पी भाई मुझको पता मैं बहुत मिस करता हूँ ये फीलिंग ये आज उनके टाइम पे भी नहीं हुआ पता नहीं पता हाँ बोलो बोलो कोई हॉलीवुड पिक्चर थी जाना था देखने की आई थिंक बैटमैन ऐसी कुछ पिक्चर थी ना

जैसे अभी जैसे मॉन्स्टर्स का भी ये मैं मतलब इसको देख के भी मेरे को अच्छा लगा लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स जो है ना आई थिंक आई थिंक इसमें हिंट भी दे दे अपने आने वाली गोडजिला मूवी के विलन विलन के बारे में हम्म कि भाई और भी मॉन्स्टर्स तो दिखाई रहे जो पैक ऑफ सो स्पेस गोडजिला आई थिंक लेआउट है ट्रु मलयला हां बायोलेंटे भी ला सकते हैं बायोलेंटे तो उन्होंने हिंट कर ही दिया है

तो ये थोड़ा सा इसमें लफड़ा है इन लोग के पास तो यार अगर ये हिसाब किताब है, चल... उतने वो पुरा, पुरा निकालते अपन एक पुरा चंदा पूरा घर बिक जाएगा पूरी संपत्ति बिक जाएगी नहीं तो अपन एक अपन एक खरीदो संस्थान खोलते हैं ठीक है संस्थान हम खोल रहे हैं दोस्तों ठीक है

दस एपिसोड पूरे हो गए क्या पता मैं मैं मेडिसिन फिल्म इंसान मैं खत्म कर लूंगा मैं तो कर लूंगा भाई हां ठीक है किलर सुन अभी ओ किलर सुन पे बात कर लेते हैं मैंने दो दो एपिसोड देखे हैं मैंने ये इससे तो बाकी भाई दो एपिसोड देखा और बाकी मैं थक गई मैंने पूरा देखा बात कर सकता मैंने चाले भी नहीं किया भाई अब तुम मैं तो okay. सो ही रहा था ना भाई मैं मैंने तो मैंने सुन भाई मुझको दिखा पाया सूप मैं कहते ये था जो मैंने सूप पिया था अपनी जिंदगी में भाई है पता है जब वो उसकी स्टार्टिंग होती है मैंने नहीं तो भी ना भी उसमें क्या है बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से दिखाते हैं ठीक है मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट शो ठीक है जिसमें मैंने कुकिंग देखी तुमने भी पहले शो नहीं होगा जिसमें कुकिंग देखी विदेशी शो में अपन ने बहुत देखे हैं जैसे वो अपना किंग पिन भी करता है बियर में भी अपन ने बहुत देख लिया ए, वो है अपना हैनेबल है ना, हैने में भी बहुत करता है वो कुकिंग करके तो जब वो कर करती है स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था भाई एक नंबर बना रही है और मजा आ जाएगा भाई मेरा मुंह में पानी आ गया लिटरली आ। आ। और जब वो आके बैठता है और जब वो बोलता है आज फिर से सूप और दो डकारे मारता है <laughs> मेरे को लगा कि यार रख दिए <laughs> और मतलब इसकी अच्छी एम्बिग्यूटी बनाई उन्होंने एटलीस्ट बीस मिनट तक तो अपने को पता नहीं चलता कि वो कैसी कुक है नहीं नहीं ना आपने खाया नहीं। खा <clears throat> के खाके तो आता हूं। <laughs> फिर फोन उन गया बाथरूम में गया पता नहीं क्या तरीके से छुपाने वाला इंसान है बोटी उठी वहीं छोड़ दिया <laughs> आ। आ। मेरे को लगा कम से कम पीस तो खा ले भाई यार मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब लोग पीस छोड़ देते हैं नहीं एक्चुअली मैं आई थिंक मैं बंदे I'm से looking रिलेट at कर you, गया ठीक है ना मैं बंदे से I'm रिलेट looking कर गया यस सुना सुना मैं बंदे <laughs> से रिलेट कर गया क्योंकि उसको बुरा लगा अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा था जब मैंने मैंने I mean, मैं पिया आई मीन मैंने पिया

जब मैं मैं दोबारा से लेने भी गया और मुझको बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी यार तो बाद में नमक मिर्च उर्च लगा के मैंने दादा उधर से बोला कि यार मैं देखो मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं इससे हूँ ठीक ना वो चाहते थे कि वो इसको पाया सूप वाला कन्वर्ट कर दूँ इस लोंडे को वो कर नहीं पाए मुझको क्योंकि उन्होंने बता दिया कि कैसे आई है तो मुझको बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आई तो मैं तो नाक बंद करके पिया है भाई मैंने

<laughs> आगा, आगा। भी यार बहुत कातिल बनाया ब्रो। बनाया भाई यार। पर वो बहुत, बहुत उसको देख के के समझ में आता था, कि बहुत प्रोजेक्ट था वो। पहले, पहले एपसोड के कुछ 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 में ज्यादा ही डिटेल दी हुई है अच्छा तुम नहीं नहीं भाई

वो पता वो बताना चाह रहे थे लेकिन एक्चुअली में वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाले रास्ते पे चल रहे हैं कि हाँ। जय जा, बिक जाए माम बस फिर आगे हम कर लेंगे बट आई आई डोंट थिंक उसको बेचने के लिए न्यूडिटीज चाहिए थी मतलब इट वाज सो डैम गुड हाँ, नहीं नहीं अच्छा तो था यार कि मतलब उसको बेचने के लिए न्यूडिटी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी भाई नहीं इट वाज सो नहीं मैं वो पहला वो

भाला 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 थीम यह समझ में आया कि मतलब की कहानी है कि जब औरतों को एक प्रॉपर्टी समझा जाता था हाँ और जब वो नहीं की हैस क्या है और ग्रेटनेस वाली अचीव करने की बात है लेकिन एक है जो की सिर्फ रिवेंज लेना चाहती है बाकी उसको ग्रेट और कोर्ड से कोई मतलब नहीं है पर तो बाद में वो लड़की भी चेंज हो गई जब अपने आप उसको पूरा एक्सेप्ट करती है वो पावर उसका पावर का खून लग गया ना उसके मुंह में कि मुझे नहीं परवाह है किसी चीज की आई विल राइट डिक फॉर पावर ठीक है तो वो चली गई वापस वो बहन बहनचोद हैप्पीनेस की तलाश में उसको पता नहीं कि भाई अभी वो ज, जो लड़के के साथ बॉन्डिंग की किया था मैं एक्चुअली मैं लड़की है <laughs> हां वो तो लेकिन अभी वो मैजिकल सिटी वाला जो बताया ना लंदन का हिसाब मैं वो देखने के लिए बहुत इंतजार कर रहा क्योंकि भाई आप क्लियरली बता देते हो ना कि आपकी दुनिया एक्सपैंड हो रही है और मुझको वो देखना है काफी अच्छा लगेगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप इधर भी वही पीचेस करते हो कि वहां भी करते हो ठीक है क्या पता। अच्छा मतलब उसका वो जो क्लाइमैक्स वगैरह था वो मुझे अरे भाई भाई वो क्लाइमैक्स छठा एपिसोड या पांचवा एपिसोड जो था ठीक

कि वो भूल गई थी हिसाब किताब की एक्चुअली में क्या करना है जिंदगी में हाँ आई वाज सो गुड को, को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि मेरी औरत मेरे से अच्छा कैसे <laughs> हो सकती है ठीक mm -hmm. है <laughs> मेरी चढ़ाई कर रही है आ वो नहीं था सब वाला वो डॉम वाला आदमी था भाई अरे वो और मतलब वो चूतिया हां यार मतलब अच्छा तुमको क्या लगता है कि उसको किसने वो किया होगा

मतलब दोनों ही अच्छे नहीं थे बेसिकली दोनों अच्छे नहीं थे वो दिखाया मूवी तो है ठीक है, है? आ, देखने में अच्छा भी लगता है लेकिन कभी कभी कैरेक्टर बहुत ज्यादा फार फेस्ट फील होता है कि भाई उसको कहाँ कहाँ नहीं गोलियां लगी चाकू लगा बंदे को आधे ढांचे में चढ़ गई दीवार पे फिर बाद में कैसे रैपिडली ठीक भी हो रही है तो लेकिन आप काम चला लेते हो कि चलो भाई हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी है अपन हिसाब किताब बैठा लेते कोई बात नहीं वो तो देखो फिक्शन है देखो, देखो वही बात है कि वो कम्प्लीटली फिक्शन है अगर आप उसको रियलिटी से कंपेयर करने जाओगे तो वो तो है ही नहीं क्योंकि वो ऐसे जापान की बात करते हैं जहाँ पे मतलब पूरा क्लोज्ड ऑफ है वो

लिंक है अभी एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर से बात शुरू हुई है तो अपन अपन किसकी बात, बात कर, कर, रहे थे, थे? पहले अपन ने वो बात कंप्लीट करी क्या जिससे अपन शिफ्ट हुए कौन से टॉपिक पे थे मोनार्क पे थे आई थिंक मोनार्क से बीच में अपन ने कोई टॉप किलर सुपर अच्छा देखा ही नहीं किसी ने तो ठीक है हां आई थिंक एको देखी हां एको तो देख ही लिया धाकड़ कुड़िया वन एपिसोड ओनली अच्छा एक ही देखा तुमने एक दैट इज व्हाट मैटर्स आई थिंक ठीक है पूरे देख भाई दो कोई नहीं कोई नहीं तुम लोग तुम लोग बात कर लो उस बारे में कुछ तो अपने को अपडेट आया हुआ है मैं देखता हूँ ठीक है चीजें क्या मिली कैसा लगा तो पीछे का काफी कुछ काट दिया उन्होंने ठीक है शुरू तो बाफी सही हुआ था एंड में तो मैं बता मैं 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 पॉज करके फिर मैं मै ऐसे बोल रहा था कि यार क्यों किया यार आपने क्यों किया आप इतना इतना रॉ जा रहे थे ग्रिटी हो रहे थे क्यों कर रहे क्यों ऐसे जादू टोना के में आप पढ़ रहे हो यहाँ पे फिर से वही बार फिर वही सुपर हीरो बना रहे हो जो तीन बार देख चुका हूँ मैं मार्बल में और जो साला जब एंड में एक हुई ना बहन और बुढ़िया मैं क्या हुआ अच्छा तो पता है लेकिन मतलब मेरे को ऐसा लगा ना कि पूरा शो मेरे को को कर रहा था mm. मेरे को ऐसा मेरे लगा लिटरली धोखा हुआ साथ क्योंकि वो सब कुछ जो मैंने ट्रेलर में देखा जो मैंने प्रोमोज में देखा ना वो सब कुछ फर्स्ट एपिसोड में था डेयर डेविल डेविलीवी हाँ। में रेटिंग वो वन शॉट एक्शन सीक्वेंसेज एवरी थिंग सब कुछ एपिसोड वन में खत्म हो गया मेरे को ऐसा फील तो हो रहा था कि मैं न्यूयॉर्क में देखूंगा उसको और न्यूयॉर्क में जहाँ वो गांव हाँ। मतलब हाँ। मतलब, हाँ। मतलब में पहुंची और वो मतलब इट वाज सपोज टू की वो हाँ। अपने न्यूयॉर्क में वो वहां पे अपने गांव में ओरिजिन को ट्रेस करेगी और वो सब होगा वो गया भाई वही खत्म हो गया आपको पता मुझे अच्छा लग रहा था कि जब वो ट्रेन सीक्वेंस हुई ना और उसने लेजर की जगह किया मुझको कि चलो कम से कम थोड़ा बस हो गया कहानी खत्म थोड़ा सा वो अजीब ही रहा था कि वो एंड एंड में यूज तो करेंगे ही लेकिन इस तरीके से आप यूज करोगे बोला क्या किंग किया तुमने मेरे साथ ठीक है और वो वहां तो, तो भाई यार विल्सन फिस्क का तो भाई यार मुझको ये समझ नहीं आता ये किस बंदे का आइडिया था किस महापुरुष का आइडिया था कि हम हॉकाई में एक लड़की को दिखाएंगे जिसका एक स्पिन ऑफ चाहिए हमको सही में किस बंदे का आइडिया था भाई बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है भाई बिल्कुल भी नहीं ये पूरा सीजन ही नेसेसरी नहीं है नहीं यार बहुत पूरे तुमने मतलब एक तो पता है अगर आप ऐसे कैरेक्टर्स उठा रहे हो ना अगर ऐसे स्पिन ऑफ बनाने हैं तो बहन चौद ऐसे डिस्पोजेबल कैरेक्टर्स लाओ ले सबसे पहले तो आप जिनके साथ आप खेला ना कर पाओ ठीक है आप विल्सन फिस को लेके आके उसको मेन विलन बना दिया आपने पूरे शो का और फिर आपने उसको आखिरी में ला करके उसका मजाक बना दिया ठीक है उसकी डेर डेविल के सीजन थ्री में फाइट देखी थी तुमने अरे भाई यार भाई वो डे डेविल और उसकी क्या फाइट थी भाई गार्ड तोड़ दे बहन वो बैचो तो बुल्स आई से लड़ रहा है डेयर डेविल से दो लोगों से एक साथ लड़ रहा है वो और वो जो आइसक्रीम वाले को हाँ। मारा भी उतना ही था हाँ। वो उतना ही था और कुछ हाँ। नहीं था उसमें वो यहां पे एक मुक्का नहीं मार पा रहा है हां एक मुक्का नहीं बहन जो ट्रेलर बनाने वाला भी क्या कहेगा कि सर हमने सब तो दिखा दी और कुछ है आपके पास कि नहीं वो बोले कुछ तो लाओ कुछ कुछ लाओगे मजबूरी था में था, था पता है वो पूरे पूरे शो भर मेरे को विल्सन फिर मतलब विंसेंट डेनोफ्रियो ने अपना हंड्रेड एंड टेन परसेंट दिया पूरे शो में हाँ एवर ही वाज ऑन स्क्रीन ही वाज लाइक तुमको दे देगा भाई वो जब भाई वो जब डिनर करने नहीं आता अपनी बेटी आ, के साथ भाई ये सीन क्या है भाई

एक तो पता है मतलब सम हाउ मेरे को ऐसा लगता है कि शो में बहुत बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे कि हाँ, आप जब आपको पता है एक्ो क्यों बनाया आपने ताकि आप अपना थोड़ा सा स्ट्रांग अप्रोच ले सको थोड़ा सा आर रेटेड जा सको बाउंड्रीज पुश कर सको ठीक है यहाँ पे भी आपको एडिट्स क्या करने जरूरी थे क्या आप यूनिवर्स से चीजों को कनेक्ट कर रहे हो हाँ, आपने लिखा ही क्यों ऐसा कनेक्ट करने के लिए जब इसकी ही कहानी थी नहीं तो वो याद है वो हाँ। जो नहीं बोलता लाइन किंग वाला डायलॉग जहां तक सूरज जा रहा हाँ, है, ये हाँ, तुम्हारी हाँ। है वो पता है हाँ। वो, वो।, हाँ, हाँ। वो, वो समझ में ही नहीं आया वो बिल्कुल समझ नहीं क्यों था वो सीन वहां पे अरे अरे बहुत सारी चीजें थी यार ऐसे एंड में बहन चो दो पूरा गन्स रॉकेट लॉन्च

भाई बहुत। वो ना आपको unnecessary, इतने डालने magic, क्या ज़रूरत है जब याद आया था पहले ही बता दिया जिंदा करने वाला कुछ जड़ी बूटी का तो दिखाया आपने रखे होते ग्रिटी मत दिखाए जादू परेशानी किए मारा मारी हुआ होता के पड़ी रहती फिर खड़ी होती मैं समझ जाता बहुत मतलब पता है और ना शो बिल्कुल ही पता है वो डेर डेविल आता है एपिसोड वन के बाद से ना वो इतनी डाउन ट्रेजेक्टरी पकड़ लेता है ऐसा लगता है यार। ही नहीं उनके पास कुछ भाई नहीं, नहीं चले गए वापस फिर वो बातचीत कर रही है उसकी उसकी नहीं नहीं नानी उससे नहीं, नहीं, नहीं मिल रही है हाँ। नहीं मजा नहीं है यार वो, वो बोल रही है मुझको क्वीन पिन बनना है एक एक अड्डा उड़ा के उसको क्वीन बनना है भाई वो मैं वही सोच रहा हूँ एक वो उड़ा लिया हाँ और तुम भाई चली दुनिया पे राज करने वो तुमको कुछ कर तुम इसीलिए कुछ कर रही हो क्योंकि वो तुमको करने दे रहा है हाँ। भाई स, एक तो सवाल है आप खुद से भी पूछ सकते होगे कि भाई यार वो है इंडियन अमेरिकन ठीक है ये ये बहन का लौड़ा चाचा मेरी हेल्प कर, कर रहा है ठीक है मेरे साथ मुझको खाना बैठा के खिलाता है अपने साथ हर संडे को जैसे फैमिली हो ठीक है क्यों क्यों एक ये बात ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर हाँ। पूरे शो ने किया ही नहीं। किया ही ही नहीं नहीं भाई भाई वो वो ना, लेकिन फिर भी सवाल आता है क्यों क्यों कर रहे हो आप ऐसा? हमको तो जवाब दे दो ठीक है विल्सन फिस्क के इंटेंशन क्या थे इतना उसको बनाने के क्यों कर रहा था वो ऐसा भाई आप भाई

मेरे को नहीं समझ में आया उसका मतलब बहुत सारी चीजें थी जो पॉइंटलेस फील हो जाती है, बहुत बहुत है। पूरा शो ही फील होता है मतलब ऐसा लगता है ना कि ये मतलब वो मार्वल वालों ने जैसे वो था ना कि मतलब उस बैड की तरह नहीं। वो पूरे क्या करेंगे आखिरी के एपिसोड में थोड़ा 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 इसमें भी किया है शुरू के एपिसोड हर एपिसोड के शुरू में थोड़ा 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 है जो आखिरी में बिल्ड होता है हाँ। और क्या चूतिया बिल्ड होता है भाई भाई वो आखिरी का फिनाले तो यार भाई साहब जब, जब वो करती है ना आखिरी में करके यू ठू करके बच्चा जब वो पांच मिनट में खत्म हो जाता है मैंने कहा बस हो गया बस भाई भाई ये पता सेम चीज जॉन विक वाला था जो टेबल पे नहीं सब बातचीत चल रही होती है कि बहन के, के, के लौड़े तू तो उसके अड्डे पे निकलेगा कैसे तू वहां <laughs> से ठीक है सब बंदूक तानी हुए तेरे ऊपर <laughs> तो वो मुझको लग रहा था कि भाई ग्रिटी है थोड़ा सा एक्शन ओक्शन होगा लेकिन वो तो अपना अलग ही बहन इधर जा रही है <laughs> और वो वो पावर दे भी सकती है दूसरे को हाँ हाँ ये मैं तो भाई मैं तो लॉजिक ही नहीं समझ पाया

इसमें बताया ही नहीं भाई right. मरवा मरवाया क्यों था एग्जैक्टली exactly. हाँ अब मैं थ्योरी बनाऊँगी भाई यार वो उसको अकेला करना चाहता था ताकि वो क्लोज हो सके वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब इसमें बहुत सारी चीजें अधूरी छोड़ दी उन्होंने Hmm. पता नहीं क्या सोच के बनाया है लोगों ने पांच एपिसोड का करके खत्म करना था उनको और भाई कितने गंदे बेंच उसमें एडिट कर दिया है सीजन को नहीं यार मेरे को नहीं जमा भाई यार बहुत भाई डेढ़ डेढ़ दो सौ मिलियन इनको फूकना था टैक्स राइट ऑफ में तो तो पता है नहीं भी करना भी चाहिए ये सब हाँ तुम देखो ना तुम देखो पहले तुम देखो, देखो, देखो सही एपिसोड वन के बाद तुमने तुमने क्रूड्स देखी है क्रूड्स टू मैंने पहली वाली देखी है सेकंड टू भी देखना टू भी देखना ठीक ना उसमें होता है आखिरी में धाकड़ कुड़िया वाला ठीक है बुढ़िया फिर आती है उसकी बेटी फिर उस बेटी की बेटी फिर जो बॉयफ्रेंड की उसकी बेटी बुढ़िया आती है धाकड़ कुड़िया बन के सब सारी लड़कियां जा रही होती है लड़ने के लिए बचा, ओ फल सीन है भाई मुझे मजा आई देख के तो यहाँ पे मैं सोचा मीम लगा दूं लेकिन कहते अभी नहीं अभी इसको सेव करके रखते हैं मार्वल फिर बकचोदी करेगा ठीक है ना <laughs> इसलिए बचा के रखा उस मीम को शेयर करूंगी सही मोमेंट पे जब धाकड़ कुड़िया असली में असेंबल होंगी फिर से लगा देना था <laughs> फिर से लगा देना धाकड़ कुड़िया पार्ट टू पार्ट <laughs> टू मैं बताऊ मेरे मजा आ गई देख के तो पर ये है पता है बहुत गंदा हगा है मार्बल वालों ने भाई हाँ यार आप बता है, ऐसे अननोन कैरेक्टर्स को लेते ही हो इसलिए कि रिस्क के लिए यूज कर सको ठीक ना इधर भी नहीं रिस्क लिया उन्होंने पता नहीं क्या बिल्डअप उल्डअप मेरी बस एक ही कंप्लेंट रहेगी कि भाई अगर आप मार्वल वालों ऐसा कुछ बनाना है आपको तो डिस्पेंसिबल डिस्पोजेबल कैरेक्टर्स के साथ क्या करो ऐसा खेला बिल प्लीज विल्सन फेस तो और, मत, और ऐसे तो बुलाओ लाओ मत ना इधर उधर सबको वही 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 आप अपने में जो करना है कर, खेलो लो भाई वही वही वही, वही। फिर बाद में आ, वो वो तो देख ही लिया होगा आपने मैडम वेब का हां <laughs> प्रमोशन क्या आपको क्या हुआ, कितना क्या, हुआ क्या हुआ भाई मन कितने प्यार से मना रही है यार आपको कि जाओ कि पिक्चर देखो वरना नहीं, नहीं 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 ऐसा बोल रही कि जैसे मेरा कैरेक्टर फ्यूचर देख सकता है ठीक है मैं भी देख सकती हूँ असल रियल लाइफ में मुझे पता है कि तुम्हें पिक्चर पसंद आने वाली है आई थिंक वो भी पता है और और वो भी ऐसे ऐसे नहीं बोलता कि सिर्फ रोमांटिक तरीके से रोमांटिक नहीं।, नहीं था वो सेड्यूस करने वाला है ठीक ना ठीक ना सुनो तो तुम मैं मैं मैंने रीट्वीट किया देखना तो ठीक ना और फिर बोलती है कि एंड आई थिंक यू गोना लव इट मैं बोलता हूँ स्टॉप ट्राइंग टू फक मी विद वुमेन ठीक है स्टॉप ट्राइंग टू फक मी भाई साहब पीजे अभी पिक गया भाई पीजे को समोसे की जरूरत नहीं नहीं मैं नहीं मैं बोल

आ, <laughs> पिटने पिटाने का अगर पिक्चर पिटी, तो तो, पिटी, पिटी तो भी खुश तो पिक्चर में पिटी तो भी खुश खुशर पिक्चर में नहीं पिटी ना इसीलिए पिक्चर पिटेगी अच्छा हाँ तो वो खुश हो जाएगी हाँ ठीक है देखो जहा जो भी है पिटना आता है हाँ अगर पिक्चर पिटी तो भी खुश पिक्चर में पिटी तो भी खुश तो भी खुश अब मैं सोनी से ये करना चाहूंगा कि मालिक अब इतना कुछ खर्चा कर ही दिया है तो एक सिडनी सिडनी से भी निकलवा ही लोग <laughs> निकला होगा निकले होगा निकल हो वो आता होगा थोड़े दिन में धीरे-धीरे तो। तो 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 उनको मैडम टूटी भाई यार भाई देखो सोनी ऑडियंस तो जान रहा है ठीक है कि कौन है जेंडर डेमोग्राफिक स्पाइडरमैन के फैन वो उसने बोला भी है उन्होंने बोला सुना नहीं तुमने क्या बोला कि आप मुझे लगता है कि आप दो बार तो देख ही लोगे दो बार। सुना तो ब्रे <laughs> <laughs> कहते ये तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते दो बार तो ठीक है भाई, भाई उन, उनको समझ में आ रहा है कि ठीक है कि देखो नॉर्मल जनता नहीं जाएगी ठीक है आ, नहीं। जो सिम पे उन्हीं को दो बार दिखवाओ ठीक है कि यही चूतिये हैं जो हमारे नाम पे हिला <laughs> हिला के दूसरी बार देखने जाएंगे देखो मैं मैंने फिफ्टी शेड सुलझी नहीं देखी लेकिन अब मैं देखूंगा

मैंने देख लिया बस अब पिक्चर देखने की जरूरत क्या है तुम्हें बाकी अभी मैं कहानी जानना चाहता हूँ है, है okay. नहीं। नहीं, तो थोड़ा सा लड़कियां थी इस मैं, बता, मैं बताता हूँ तो हाँ। एक आदमी होता है उसको पीटने का शौक होता है लेना डोमेस्टिक वायलेंस एक लड़की होती है जिसको पिटने का शौक होता है पिटना और देना Okay. ये पिक्चर कहानी है दोनों मिल जाते हैं दोनों मैग्नेट की तरह और कहानी खत्म इस पे उन्होंने तीन पार्ट बना दिए और उसको कुछ ठरकी देख देख के एंजॉय करते हैं बस okay. और उस पर तीन पार्ट बने हैं और उससे इन मैडम को काम मिलता जा रहा है <laughs> सुपर हीरो की पिक्चर मिल गई भाई यार भाई ये आर रेटेड होगी पीजी ये तो PG -13, PG -13 है, तो PG पूरे पूरे कपड़े पहने भाई पिक्चर में देखा नहीं तो वो वो एक्चुअली वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है hmm. वो यहाँ से ना PG -13 में बच्चों को टारगेट करेंगे बच्चे वंडर करेंगे कि क्यों लिया इनको पिक्चर में एंड देन दे विल गो होम दे विल सर्च और फिर उनको oh, फिर, कोटा उस, फिर उसके प्रमोशन आर रेटेड है पता है hmm? इसके

तुमको अच्छा नहीं वो सिडनी 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 की बात कर रहा है मैं मैं किसी की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ वैसे बोल रहा हूँ मजाक में भाई सब सब रियल है ब्रो एवरीथिंग इज रियल ये सब नहीं बोलना के, क्या था हटो हटो लेट मी फील देम ठीक है रियल है ओ भाई यार फक तो और क्या टॉपिक है मैडम मैडम अभी कल के ऊपर बात कर ली पे कर ली हाँ। एक, एक एक एक, 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 एक दो हैं। और एक दो और और हैं हैं लेकिन I think मैं टॉपिक के एक्साइटेड का आया था देखा था आ, देखा 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 क्या देखा नहीं अरे भाई यार मतलब द द विच विच देखिए लाइट हाउस जैसी पिक्चर है उस लेवल का लग रहा है Are you sure? Horror horror नाम चाहिए तो बेच रहे हैं उसको। Okay, मेरे को लगा था horror. fantasy movie है। नहीं horror हो, के साथ और भी कुछ ऐसे tags लगे हुए हैं उसके साथ। Oh nice, I आ, am interested bro। हाँ, तो horror तो के लिए तो पहले ही अपन आ गए थे। बादल तैयार है ना bro, ठीक है? बादल का तो expression ही बदल गया भाई देख। Business के लिए, for the business बादल, ठीक है? ब्रह्मयुगम देखें और

ठीक है टूटा पुराना हुआ और वो अच्छा जगह नहीं है मतलब भूत परे जैसे नहीं माँ बाप बोलते हैं कि उस जगह नहीं जाना वो जगह अच्छी नहीं होती है भूत बंगला टाइप ठीक है तो जाता है मतलब किसी पर्पज़ के लिए <laughs> और अंदर जाता है तो अलग अलग तरीके के क्या कहते हैं डायमेंशन मिलते हैं मतलब वैसा डायमेंशन नहीं है अलग अलग जगहें मिलती हैं कभी अंदर से एकदम झुक के जा रहा है तो कहीं कोई और कोई जेल टाइप लोकेशन है या फिर उसको बांध दिया गया है वहाँ पे कोई एकदम सकरा सा रास्ता है तो वो चीज मुझे बहुत पसंद आती है कि जैसे कि कोई लेवल्स आप दिखा रहे हो मूवी में वो मेरे ख्याल से हर लेवल का अपनी और ना जब आखिरी में मामूती दिखते हैं ना तो उनका डायलॉग भी आता है कि एट लास्ट कोई यहाँ तक पहुंचा तो सही ठीक hmm. है और फिर वो उसके अपने हिसाब से खातिरदारी करेंगे वो उनके चेहरे पर अलग ही लुक है कि भाई आ तो गए हो आप ठीक है काफी वैसे तुम्बाड़ वाली फील आ रही है उसको देख के भाई भयंकर फीलिंग आ रही है भाई क्योंकि भाई वो काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है ना काफी अजीब सा लगता है आपको माहौल फेब में है ना आई थिंक रिलीज डेट नहीं बताई उन्होंने मेरे को ऐसा याद है फेब में है शायद हां ये 2 मिनट 11 सेकंड का टीजर है भाई बहुत बहुत माल पीस बना मस्त मस्त एक्साइटेड भाई मजा आएगा देखना आई आई जस्ट होप की आज स्क्रीन मिले पिक्चर को बिल्कुल भाई यार मैं मैं जाके देखेंगे हिंदी डब करिए प्लीज excited for unfortunately rank. यार उसका रिएक्शन किया एकदम मतलब 9वे रैंक पे मतलब लोग रिएक्शन नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो भाई देखो सबसे मेन चीज क्या है कि हिंदी डब होना चाहिए पहले पिक्चर हां उसके बाद जाके धीरे-धीरे वही वा, वार्ड़ वार्ड़ गी वो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होगी मूवी हां वरना यार वो पिक्चर मुझे बहुत एक्साइटेड पोस्टर ही देख के मैं मतलब इंप्रेस हो गया था कि भाई ये क्या उसका आया था ना जब वो ऐसे वो वाला वो ऐसे ऐसे करके बनाते गांधी लालटेन लेके खड़ा हुआ है भयंकर भयंकर था मेरे को भी अच्छा लगा हां अभी तो कितना छुपा के रखा होगा उन्होंने तो। खैर उसके अलावा अपने देवारा पार्ट वन का लुक आ गया ठीक है मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा वो पर्सनली उसके, उसके को... समुंदर वाले शॉट्स काफी अच्छे थे मतलब हाँ सही थे नदी पा, पानी मतलब कूल शॉट्स हैं ठीक है मैं मना नहीं करूंगा कूल लगता है बट उसका जो एक्शन वाला था बीच पे एक्शन वगैरह करता है वो मेरे को फील हुआ कि भाई सेट है। सेट भाई वो हुआ तो आप भाई, तो तो भाई मैं बोल रहा हूँ चांद से रोशनी आ रही है उतने ही सर्कल में रोशनी गिर रही है साफ दिख रहा है जहां पे सब लड़ रहे नहीं जैसे क्या है ना कि जो उसके वो वाले शॉट है ना जो समुद्र वाले शॉट है जो लाइव लोकेशंस पे फिल्म के वो अच्छे हैं वो सही जो एकदम हाँ, नीचे नहीं आपका पर्सपेक्टिव मिलता वो पानी हुँ, 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 वो वो है वो पानीयों नहीं हिल रहा होता वो मस्त लगता है वो बढ़िया है लेकिन उसके अलावा जो वो पर वो वही बात है ना कि बस उन्होंने जो ग्लिम्स दिया ना बस उसमें लेकिन एक ही सेट का उन्होंने दिखाया अभी तक हाँ वो सेट सेट वाला कर दिया उन्होंने एक्चुअली मैं अगर ग्लिम्स में रियल कुछ लगता ना तो हाइप बन जाती वही अब वेट करते हैं मे बी वो बेटर कोई ग्लिम्स यूज कर सकते थे आराम से वो उन्होंने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देने के लिए यूज किया हां वो हाँ ग्लिम्स नहीं बस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ही है बेसिकली वही तो मैं होप करूंगा नेक्स्ट जानवी कपूर फैन ठीक है इसीलिए तुमको ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई ना जानवी कपूर नहीं देखी नहीं अब वो इतना अभी ये अच्छा नहीं था तो मुझको लगा इससे अच्छा जानवी कपूर को ही दिखा दिए होते यार आप बाणे मार रहा लड़ा नहीं नहीं मैं जेंटलमैन इंसान कुछ तो असली होता यार उसमें तो असली तो कुछ है ही नहीं ना <laughs> मैंने <नहीं> कुछ बोला हां <laughs> 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 <आ, laughs> भाई लेकिन यार अभी तो अभी तो सैफ अली खान का आएगा फिर जानवी कपूर पता नहीं कब आएंगी तो सैफ अली खान विलेन है उसको देखने के लिए एक्साइटेड नहीं हो तुम तुमको चाहिए जानवी कपूर जानवी कपूर भाई आई सपोर्ट वुमेन ठीक ना तो अभी ये तो आने वाली है जल्दी गर्मी में समर समर ब्लॉकबस्टर अप्रैल में कल से पहले ही अप्रैल में आएगी ये और कल इसके बाद आएगी मैं तो भाई तो कल के लिए एक्साइटेड हूँ कल के लिए तो मुझको पता है उसका पोस्टर अच्छा तो लगा नहीं कल का ठीक है क्या बात कर रहे हो मुझको नहीं अच्छा लगा वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ऑकवर्ड लगता है मुझको हाँ मुझको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है मुझको पोस्टर अच्छा नहीं लगा

टीजर भी आने वाला है हाँ हाँ उसका टीजर कट रेडी हो चुका है हाँ, एक मिनट बत्तीस सेकेंड कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं आई मतलब वो कभी तो नहीं करेंगे वो बहुत अच्छा खासा उसका माहौल बना के करेंगे पहले अनाउंसमेंट करेंगे, करेंगे कल कुछ अनाउंसमेंट आएगा फिर उसमें अनाउंस करेंगे कल, किस तारीख को टीजर हाँ, आएगा वो मतलब जिस हिसाब से उन्होंने रिलीज डेट का माहौल बनाया है तो टीजर तो टीज़र शुरू शुरू कर ही दिए मतलब अब शाहरुख खान के घर प्रमोशन शुरू हो गया है तो शाहरुख खान के 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 घर बाहर कॉस्ट्यूम पहन खड़े लोग मतलब सही है मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूं मूवी को लेकर क्योंकि मतलब उसके रीजन अलग है कि मतलब

अबे दिशा, दिशा पाटनी उसको प्रमोट कर रही थी ग्लिम्स में तो ही थी ना दिशा पाटनी ठीक है नहीं ना दीपिका थी दिशा पाटनी नहीं थी पता पर मूवी में यार है। पता नहीं शायद मालदीव्स वगैरह में गई होंगी पता नहीं अभी तो ठीक ना अभी बंद है सब भाई बंद है सब अभी बंद है बंद है सब ठीक है यार अभी यह बात हो गई एक और मूवी आ रही है उसका नाम पढ़ना पड़ेगा बच्चों ठीक है अच्छा वो वो भाई मतलब ये देखो ये हो गया लव स्टोरी का जितना अजीब और जितना लंबा नाम दे सकते हो ना तुम अच्छा तो हाँ, मतलब गाने गाने देखो नाम है की प्रेम कहानी तू झूठी मैं मक्कार हाँ भाई ये सब मतलब तो टाइटल रग? में भी डालोगे तो यूट्यूब बोल देगा कि टू लॉन्ग छोटा हाँ, क्या है नाम उसका तेरे बातों में ऐसा उलझा जिया हाँ। गाना रोबोट वाली है ना कोई लगा है रोबोट वाली है

हाँ तीन पिक्चरों में वो है और जिसमें से दो पिक्चर टॉप थ्री में थी और के में गलती नहीं दूंगा ठीक है नहीं किस्मत खराब है मैं ये <laughs> उसके किस्मत बहुत खराब है खैर इस गाने में भी डांस अच्छा किया एक पिक्चर में वो उसको कोई बिठा के ट्राई से पढ़वा दे रहा है

अच्छा तो जान जाओगे नहीं 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 बादल खुद गिफ्ट करने आएगा नहीं, 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 मैं तुमको बोल रहा तुम दो साल और वो क्यों करेगा, नहीं, नहीं वो वो ए आई वी आई में रिसर्च कर चुका है अभी गूगल गूगल पे सब उसकी हिस्ट्री देखी नहीं तुमने मिस कर गए बादल इंस्टाग्राम की सेवाली चीज है ओनली रीजन यू हैव वन कि अभी उतना एक्सेसिबल नहीं है आगे। तुम्हारे पास खुद के पास होता वो गूगल सर्च कर चुका है वो देख चुका है अभी अपन जापान जा रहे होते तो वहाँ दुकानों पे पूछ रहा होता वो कि भाई ये कि कोई भाई ऐसी व्यवस्था है का? ये ऐसे अभी वो गूगल सर्च में होगा उसकी कि जापान से ला, ला सकते हैं क्या जापानी गुड़ी अलग करानी फिर वो बोलेगी आई कैन फिक्स यू पीछे यार

सबके ट्रेलर ड्रॉप होंगे उसमें hmm. बी रेडी बादल बादल बीमार हो जाना उस दिन ठीक है <laughs> मेरे को उसमें पता hmm. नहीं मैं सुपर बोल के क्या बकचोदी चलता रहता है अरे तो उस दिन सबसे ज्यादा व्यूअरशिप होती है ना उनको सौ मिलियन शायद उनको मिलते हैं उनके लिए ज्यादा है नहीं तो तैयार रहो उस दिन सब आएगा हाँ अभी बीच में एक और आया है ट्रेलर किसी का ठीक है रोहित शेट्टी प्रेजेंट्स इंडियन पुलिस फोर्स अरे भाई यार उसके नहीं नहीं पन्ने। बात नहीं करिया अपन ने बात नहीं करी ऐसे कैसे छोड़ो यार भाई वो आ गया मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड <laughs> नहीं हूँ ठीक ना देखो सुनो प्रमोशन फोन आ रहे हैं ठीक ना आ, इस कोई को, इस बार कुछ सीरियस किया है ठीक ना हाँ डार्क किया है बातें चल रही हैं ओके okay भाई लोग हमने बात कर ली जिनके ऊपर बात करनी थी उन पर बात नहीं की जिन पर बात नहीं करनी थी खैर आप अपने ओपिनियंस कमेंट ज़रूर बताइएगा कैसा आपके लिए रहा ये चार पांच मूवीज़ एंड ट्रेलर्स वाला हफ्ता बाकी आई नो थोड़ा सा लेट हुआ होगा लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड ठीक है इतना इतना सब इतना सपन अपन लिखो मैं मैंने मान छूट मैं आउट हो गया भाई मुझको क्या बोलना <laughs> भाई मैं बता रहा हूँ मुझको मुझको मतलेगा तुमको भाई भाई मैं गंदा टेलीप्रोमटर वाला भाई लोग अच्छा लगा प्लीज लाइक करने अटक गया फस गया मुझको कर करना क्या भाई ये हमारे भाई साहब कितनी रैम है तुम्हारे अंदर मैं मैं लैग कर गया मैं ग्लिच हो गया रियल लाइफ में कर रहा है मैं फुल हो गया उनका इंच तो का भाई भाई लोग लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना ठीक है अपना हफ्ता बहुत बिजी रहा था तो प्लीज अंडरस्टैंड करना तब तक के लिए मैन ऑफ कल्चर देखते रहिए हमारे मेंबरशिप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए एंड तब तक के लिए टाटा बाय